कर लें, प्लीज अपने नामों के साथ लॉग इन हो, नाम भी वो जो आपने अपना एडमिशन के टाइम पे फुल नेम अपने कोऑर्डिनेटर को लिखवाया है, ठीक है जी, एज सिंपल एज दैट. 17 एंड आई वॉज अ डॉक्टर बिफोर दैट. आई डिड माई MBBS फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड देन आई टुक द एग्जाम द वेरी नेक्स्ट ईयर. वेल आई एम इन मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स ग्रुप एट द प्रेजेंट मोमेंट. एंड वाई इज दैट आई शेयर दिस स्मॉल स्टोरी विद एवरीवन इन द इंट्रो. The first preference was pass at that time, and then there was police, and then there was foreign service, and then customs, and then MLCG. So I had placed military lands and cantonments as my fifth preference. Problem kya hua ke maine aise subjects choose kiye apne optionals ke andar, jinhone phir mere saath bahut bura. So I took agriculture and forestry instead of my जेंडर स्टडीज विच एवरीबडी एल्स वॉज टेकिंग. और जब आप बाई एंड मेरे लेक्चर्स खत्म होंगे तो आपको आइडिया होगा कि वॉट अ बिग फेमिनिस्ट आई एम. और फिर मैंने अपने साथ कितनी बड़ी ज्यादती की कि मैंने जो है ये कितना ईजी इतना टू द पॉइंट सब्जेक्ट छोड़ के एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री जा चूज किया. तो मजे की बात ये हुई कि आई स्कोर्ड 34 इन माई एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. 33 पे आप पास होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए. कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो कि 6 हैं उसमें आप 40 पे पास होते हैं, और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप 33 पे पास होते हैं. तो अगर एक नंबर ऊपर नीचे होता तो मेरा एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बेसिकली फेल था. तो ऐसे सब्जेक्ट्स चूज ना करें क्योंकि ऑप्शनल्स हमारे स्कोरिंग के लिए, कंपल्सरीज का कहा जाता है कि वो आपको पास और फेल कराने के लिए होते हैं, और ऑप्शनल्स होते हैं टू चूज योर सब्जेक्ट योर ग्रुप कि आप किस में फॉल करने वाले. वन बैड सब्जेक्ट कैन लैंड यू इन योर फोर्थ और फिफ्थ प्रेफरेंस, एंड मे बी टू बैड सब्जेक्ट्स कैन लैंड यू इन द लास्ट ग्रुप्स. आपका पोस्टल रेलवेज आ जाए मे बी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अनएलोकेटेड रह जाए. तो अपने सब्जेक्ट्स चूज करते हुए चाहे 10 बार टीचर्स को पूछना पड़े, 50 लोगों को पूछना पड़े, डू दैट, डू द होमवर्क बिफोर selecting any subject at all. ठीक है जी, ये हो गई ग्रुप की कहानी. ये मैं जरूर बताती हूं ताकि ऑप्शनल सिलेक्ट करने में आप कोई जल्दी ना करें. आगे आते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, वाई नॉट. ठीक है, हमारे कुछ लेक्चर्स होते हैं विच आर कंपेरेटिवली शॉर्टर. अक्सर डेज जो है टाइम हमारे पास बच जाता होता है, तो वी डिस्कस अबाउट ग्रुप्स एट टाइम्स, वी सब्जेक्ट्स एट टाइम्स, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, तो हम करते होते हैं. तो वील हैव दैट दोज मोमेंट्स. ठीक है जी, लाइकवाइज जी, आई वॉन्टेड टू सी यू येस्टरडे बट समहाउ अ फ्यू स्टूडेंट्स सेंट अ मैसेज कि मैम सिग्नल्स नहीं है तो फर्स्ट क्लास नहीं ले पाएंगे, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट एनीबडी टू मिस द प्रेसी क्लास. बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग. ठीक है जी, अच्छा, डज केपी फैक्टर मैटर एट ऑल इन एलोकेशन. I don't know how you want to take that. लेकिन एक बात मैं बता दूं, ऐसा कहते हैं कि पंजाब की एलोकेशन सबसे मुश्किल है, केपी की एलोकेशन सेकेंड पे मुश्किल है, थर्ड पे सिंध आता है, फोर्थ पे बलोचिस्तान आता है. मेरा पता नहीं क्यों इस बात को मेरा बाय करने का दिल नहीं करता. अगर 270 बच्चा पास है, ठीक है, और पंजाब के सबसे पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सूबा है भाई, तो ज्यादा ही होंगे ना. और 50% सीटें भी तो पंजाब की होंगी. अगर 200 सीटें भी आती है तो उसमें से 100 सीटें पंजाब की होंगी भाई, तो हु सेज के उसका मुश्किल होगा. उसी हिसाब से बलोचिस्तान को देखा जाए तो उनके अगर 5 आ रहे हैं, उनके 5 ही 5 हुए हैं, तो उनकी सीटें भी 2 आ रही होंगी. जीबी कश्मीर का भी यही है, 1 सीट आ रही है, 2 सीट आ रही है, तो बात तो कॉम्पिटिशन तो वही का वही है. जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी सीटें भी तो ज्यादा दी हैं, और जिसका पॉपुलेशन कम है तो इट्स पॉपुलेशन बेस्ड, बात खत्म. कंपटीशन इज इक्वली, आई थिंक इट्स इक्वल एवरीवेयर. मुझे नहीं, ये सुबह वाली बात जो है ना मुझे डाइजेस्ट नहीं होती. अच्छा, खैर, फिर भी जाहिर है कि उस लिस्ट में से बहुत सारा चंक जो है वो पंजाब का, क्योंकि नजर आ रहा होता है कि दे आर नॉट एलोकेटेड, तो दैट हैपेंस. केपी में कई दफा इस तरह होता है कि केपी के जितने लोग पास हुए होते हैं उतनी सीटें आई होती हैं और उतने ही एलोकेट हो जाते हैं. पंजाब में ऐसा मतलब हार्डली कभी हुआ.
एजुकेशन में आगे है, कॉलेजेस अच्छे हैं, यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, तो वहां पे पास लोग भी ज्यादा होते। इट्स नॉट नेसेसरी टू क्विट योर जॉब, लेकिन आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाएंगे, 9 बजे शाम को 5 बजे वापस आएंगे, तो व्हेन डू यू हैव योर टाइम टू बी अ डॉक्टर और प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर, नहीं हो पाता, ये इशू है। सब्जेक्ट्स में हम बाद में आएंगे। अच्छा जी, अगला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाई एम आई टीचिंग इंग्लिश इफ आई एम अ डॉक्टर एंड देन आई क्वालिफाइड सीएसएस, व्हाई एम आई, हु एम आई टू टीच इंग्लिश। तो जी, मेरे एक्चुअली ग्रामर में अपने टाइम पे 72 मार्क्स थे और हमारे टाइम पे ग्रामर टारगेटेड सब्जेक्ट था जहां पे बहुत सारे फेल किए थे उन्होंने, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि आई एम प्रोबेबली अ लिटिल बेटर इन इंग्लिश ग्रामर देन अदर बैचमेट्स ऑफ माइन। और फिर जब मैंने किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यस, आई डू हैव सम थिंग्स टू शेयर, या जो मैं स्टूडेंट्स को टिप्स और ट्रिक्स चीजें बता रही होती थी और मैंने नोटिस किया कि लोग इस तरह नहीं करते, तो फिर ये हुआ कि बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, somehow it became a trend and I started teaching। तो मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, विद ड्यू अपॉलोजीज, आई विल नॉट बी टीचिंग एग्जैक्टली प्रोफेशनली लाइक अ टीचर डज। मैं बहुत इंटरैक्टिव सा सेशन रखती हूँ, मैंने सारी एक्सरसाइजेस बिल्ड की हुई हैं, हम बातें भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं और सारा सिलेबस भी कवर करते हैं। अब उसमें मैं एग्जैक्टली बच्चों को आई वॉक देम थ्रू द सेम पाथ माई टीचर्स टुक मी, और मेरे पास जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा नॉलेज उस तरह नहीं है, जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था, जो मुझे सिखाया था, मैं वही आगे ट्रांसफर कर रही हूँ। तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ठीक है जी, 12 पेपर सीएसएस के होते हैं और अभी नए रूल्स के मुताबिक आपने 12 पेपर्स पास करने हैं। पुराने जमाने में आपने कंपलसरी पास करने होते थे, अगर आप ऑप्शनल में फेल भी हो गए तो कोई बात, ठीक है, अब ऑप्शनल भी फेल है तो आप फेल। 12 पेपर्स में से एफपीएससी सीएसएस का एग्जाम जिन 2 पेपर्स को टारगेट करता है वो आपका एसे है और ग्रामर, ठीक है। हम लोग सारी क्लासेस में एक एसे की क्लास भी लेंगे और उस एसे की क्लास में मैं अपना फॉर्मेट अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने लिखा था अपना एसे और जो सर राजा तनवीर ने मुझे सिखाया था, ठीक। तो एक फॉर्मेट देखा गया है एफपीएससी का पहले से कि ऑल्टरनेट ईयर्स पे ऑल्टरनेट टारगेट करते हैं, एक साल ऐसे को फेल करते हैं, एक साल ग्रामर फेल करते हैं, एक साल ऐसे करते हैं, एक साल ग्रामर करते हैं। किसी किसी साल 7-8 सालों बाद इनको अचानक ख्याल आता है, 2014 में आखिरी बार ऐसे हुआ, इस्लामियात फेल कर दे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो आपके बाकी 3 पेपर है ना, पाक अफेयर, करंट अफेयर्स और जीके जिसको कहते हैं एवरीडे साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट्स, पता नहीं बहुत सारे बच्चों को ये बात शायद पता नहीं होगी, उन तीनों सब्जेक्ट्स में आपने मिला के 120 मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 300, आपको 120 नंबर लेने हैं, चाहे आप करंट अफेयर्स में 25 नंबर ले लें और बाकी 2 में आप 80-80 ले लें, टोटल आपका 120 से ऊपर है तो आपके वो तीनों सब्जेक्ट्स पास। हाँ, पाक अफेयर टारगेट हो तो वही बता रही हूं ना बात कि आपने टोटल 120 लेना है। किसी के अगर पाक अफेयर्स में 20 नंबर भी आए वो फेल है, 40 पे पास होता है ना बच्चा, 20 पे वो फेल है लेकिन उसने करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस के अंदर जो है वो ज्यादा नंबर ले लिए हैं तो 120 का स्कोर क्रॉस हो गया तो वो पास कंसिडर होगा। जैसे आपका वो बचा था कोई पिछले समय जिसका वो बार बार डीएमसी शेयर कर रहे थे कि जी पाक अफेयर फेल है, पाक अफेयर फेल है, तो हो ना पाक अफेयर फेल, उसने 2 सब्जेक्ट्स में और नंबर ले लिए होंगे तो 120 क्रॉस हो गया होगा। इस्लामियात, ग्रामर और एसे में अलहदा अलहदा 40-40-40 लेने हैं, ठीक है। तो इस्लामियात को इतना खास टारगेट नहीं करते हैं, ऑफ एंड ऑन कभी कभी हो जाता है, लेकिन ग्रामर और एसे माशाल्लाह हर साल, एक साल ग्रामर, एक साल एसे, एक साल ग्रामर, एक साल एसे, ठीक है जी। तो हमने इन 2 सब्जेक्ट्स को बहुत ही गौर से पढ़ना है और पीएमएस वाले इसी फॉर्मेट को फॉलो ना करें। पीएमएस के एग्जाम में ग्रामर और ऐसे टारगेट नहीं होते, इंग्लिश टारगेट नहीं होती है, उसमें जनरल नॉलेज टारगेट होता है। तो एग्जाम टू एग्जाम ये चीजें जो है वो वेरी करती हैं और डिफर करती हैं, आपने उस हिसाब से अपनी तैयारी को अपडेट रखना है उसके साथ। बिल्कुल आपकी जॉब के साथ तैयारी हो सकती है, हमारे बैच में बहुत सारे लोग थे जो जॉब्स करते थे।
क्लियर कर गई थी. और बल्कि ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जब पास करते हैं ना, उनको इंटरव्यू में फिर ज्यादा नंबर मिलते हैं, क्योंकि जाहिर है घर बैठे हुए बच्चे ने जो पढ़ा होगा और एक जॉब वाले बच्चे ने जितना पढ़ा होगा, तो जमीन और आसमान का फर्क हो. ठीक, अब हम देखते हैं कि जी सिलेबस हमारा क्या क्या है और हम क्लासेस में क्या क्या कवर करेंगे. हम प्रेसी करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, एनालिजीज करेंगे, पंक्चुएशंस करेंगे, हम लोग ट्रांसलेशंस करेंगे, करेक्शंस करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. बेसिकली आपके ग्रामर का जितना सिलेबस एफपीएससी ने दिया है वो हम इन क्लासेस में कवर करेंगे. बिकॉज आई एम ऑन वे टू बी अ मदर प्रॉब्ली दिस मंथ ऑफ अक्टूबर, तो मैं ट्राई करूंगी कि हमारी क्लासेस थोड़ा फ्रीक्वेंटली होंगी. उसके लिए बहुत सॉरी, मैं यूजली अपनी क्लासेस में गैप रखती हूँ. आई गिव अ होमवर्क आफ्टर ईच लेक्चर एंड देन आई गिव स्टूडेंट्स अ फ्यू डेज कि आप जो है आराम से अपना होमवर्क करें, थिंक करें उसके ऊपर ये वो. लेकिन आपका बैच का थोड़ा सा मुझे फ्रीक्वेंटली क्लासेस जल्दी जल्दी रखने पड़ेंगे, क्योंकि यू नेवर नो. ठीक है, तो ये इशू है. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस एट द एंड, आई एम सॉरी, क्योंकि अभी आई हैव थिंग्स टू कवर और हमने पूरा प्रेसी का लेक्चर करना है, विच इज अ प्रीटी लेंथी लेक्चर. आई'ड लाइक टू कंप्लीट इट. ठीक है, आज ही तो हम लोग, मैं थोड़े से आपके शायद क्वेश्चंस इग्नोर कर दूं तो उसके लिए बहुत माजरत. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की बुक्स हमने कौन सी पढ़नी है. ठीक है, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड अगेन. Somehow, my video, somebody posted it on YouTube, and this guy who had written this book, he sent me a message of thank you, कि आपने मेरा book इतना famous करा दिया. Nobody knew about it, but now everybody is buying it. Office cream दांत चुफताई की जो किताब है, again not sponsored, literally. ये book मेरी देख लें, 2016 की है, because I took my exam in 2017. तो 16 में मैंने ये किताब खरीदी हुई थी. ये मैंने पढ़ी है और मेरी बुक का हशर भी देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि आई हैव लिटरली लर्न इट बाय हार्ट. अच्छा, इसमें ये मुझे बुक इसलिए पसंद है, एक तो ये बता रिटन का टॉपर था, फिर इसने इंटरव्यू की वजह से इनकी सेकंड आ गई और पोजीशन सेकंड हो गई, लेकिन ही वाज द टॉपर ऑफ द रिटन एग्जाम. दूसरी बात ये है कि इनकी किताब में वो सारी बातें हैं जो एफपीएससी मांगती है लिटरली. ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक होगी हमारी इंग्लिश, एक है गुड इंग्लिश, एक है ब्रिटिश इंग्लिश, एक है अमेरिकन इंग्लिश, माना अब कोई ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी निकल रही है, लेकिन द एंड ऑफ स्टोरी इज सीएसएस की अपनी अंग्रेजी और विच इज क्लोजेस्ट टू ब्रिटिश इंग्लिश. कुछ लोग हमें पूछते हैं, मुझे पूछते हैं कि आप लोग पांचों बहनों ने कैसे एग्जाम पास किए, ये किया वो किया. मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आई हैव मेट टू टाइप्स ऑफ पीपल. एक वो लोग हैं जिनकी अंग्रेजी ही खराब है, या वो उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, या उनका इंग्लिश का इशू है, जनरल बात है, हो सकता है. ठीक है जी, अब वो लोग तो मुश्किल हो गया उनके लिए पास होना. दूसरी कैटेगरी ये है जो बहुत अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं. आई वुडन्ट वॉन्ट टू नेम एनी नेम्स हियर, बट यू नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. आजकल के प्राइवेट इंतहाई महंगे स्कूल, उसके अंदर somehow एक फैशन बना हुआ है अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर. तो वो अमेरिकन इंग्लिश जब वो उनकी तरफ से, उनकी अंग्रेजी परफेक्ट होती है, वो ठीक लिख रहे होते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती, लेकिन वो इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश नहीं होती. और जैसे ही वो वही अंग्रेजी सीएसएस के पेपर में लिखते हैं, तो पहली कैटेगरी तो उर्दू मीडियम स्कूल होने की वजह से आउट हो गई, कैटेगरी अच्छे स्कूलों से पढ़ने के बाद भी आउट हो गई कि अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हैं बड़े कॉमनली और बड़े दड़ले से. तो हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करने वाले लोग हैं, ये याद रखना है. तो आई लाइक दिस बुक क्योंकि इसमें रूल्स जितने लिखे हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश से रिलेटेड हैं, और इसमें जितनी वो बातें एफपीएससी जो मांगती है, जो मेरे टीचर्स ने सिखाया, इसके अंदर 90% वैसा ही है. छोटी मोटी गलतियां हैं, वोकैबुलरी के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं, चीज गलतियां हैं, दैट आई एम एक्सेप्टिंग. ठीक है, हाफिज करीम दाद चुगताई. तो आपने गलतियां जो है वो चेक करते रहना है, वैसे मैं भी बीच में पॉइंट आउट करती रहूंगी जहां जहां मुझे पता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं कोई बात कहूंगी, फिर मेरे से लड़ाई करते हैं बच्चे, मैम हाफिज ने ऐसा कहा है बुक में. अगर मैंने कोई बात की है और हाफिज करीम दाद चुगताई की बुक के साथ वो बात मैच नहीं हो रही है, यू लिसन टू मी,
यू विल बी डूइंग व्हाट आई डिड. ठीक है, तो मेरा वर्ड जो है शुड बी मोर इंपॉर्टेंट देन हाफिज. स्पेलिंग्स बी ब्रिटिश वर्ड. हाँ जी, ब्यूरोक्रेसी का पूरा प्रोसीजर ही हमारा जो है वो ब्रिटिश से आया हुआ है हमारा सब कुछ. ठीक है, लॉ हमारा, मैं MLCG में हूं, हम कैंट एक्ट यूज करते हैं 1924 का, वो आज तक अंग्रेजों का बना हुआ. ठीक, अच्छा जी, अब आगे ये होगी हमारी पहली बुक. इसके बाद अगली मेन किताब आती है जी रेन एंड मार्टिन. पुराने जमाने की स्कूलों में आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है. इसका एक मसला है, इधर से रूल्स नहीं पढ़ने. आई रिपीट, हाँ, जिनको बेसिक इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है वो जरूर देखें इस किताब को. नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, क्लॉज क्या है, ये चीजें ठीक है. ये अमेरिकन इंग्लिश फॉलो कर रही है किताब. मैं आपको इसके जब डायरेक्ट बताऊंगी ना और एग्जाम्पल्स दूंगी और होमवर्क दूंगी, इसके अंदर मैं बताऊंगी कि इन्होंने उस रूल को अमेरिकन तरीके से किस तरह बताया हुआ है और बेसिकली ब्रिटिश वे ऑफ डूइंग दैट रूल क्या है. और इसी की तरह ये इसकी की है, ये प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए. मतलब आपने प्रेसी सीख ली, अब आपको प्रेसी करनी आ गई, नाउ यू वॉन्ट सम पैसेज जिसकी आप प्रेसी बना सके, तो इस किताब के अंदर आपको पैसेजेस मिल जाएंगे. आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लिए, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रूल्स आपको आ गए, इस बुक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकाल के उसकी प्रैक्टिस कर ली. ठीक है ना, तो दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस बुक. और आपने ठीक किया है या नहीं ये इसकी की भी इसके साथ ले लें. दोज हु डू नॉट हैव द की, I have it in the PDF form. I can share it with you guys. ठीक है जी, तो ये मैंने सॉफ्ट में कन्वर्ट कराई भी है, ये मैं आपको भेज सकती हूँ. ये हो गई हमारी दो किताबें. आगे आते हैं जी जिनको बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम है. एक तो रेन एंड मार्टिन कैन हेल्प. एक और बुक है, वो है, मैं लिखती जाती हूँ थिंग्स दैट आई हैव टू सेंड, की ऑफ रेन एंड मार्टिन. ठीक है जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास तीसरे नंबर पे आती है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश. दैट इज अ बैड बुक, आई डू नॉट रिकमेंड इट. किसी जमाने में एक आरफा हुसैन, बच्चे प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप, योर डिटेल ऑन व्हाट्सएप, एल्स यू माइट बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास व्हिच आई वुड नॉट लाइक. सजेस्ट एनी ब्रिटिश ऑथर्स बुक प्लीज, एज आई कैन नॉट बाय राइट नाउ. You cannot buy right now. फिर मैं उस बुक को बताने, हाफिज ग्रीन दाद चुगताई वैसे सॉफ्ट में भी मेरे पास पड़ी है. If somebody cannot buy the book, I can send it in soft as well. तो मैंने बहुत सारा डाटा अपना जो है वो मैंने सॉफ्ट में कन्वर्ट कराया है टू हेल्प द स्टूडेंट्स हु कैनॉट बाय बुक्स. तो इफ यू वॉन्ट आई कैन सेंड यू हाफिज एज वेल. और दूसरी जो है वो है जॉन ईस्टवुड, भेज दू. ठीक है, मैं हाफिज भी भेज दू. ओके जी, अच्छा दूसरी किताब हो गई हमारी जॉन ईस्टवुड की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश. हाँ, जिनको बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जिन्हें लगे कि उनको वर्ब क्लॉज ये चीजें नहीं पता, आपने एक बात याद रखनी है कि आपकी जो इंग्लिश है ना, एक फाउंडेशन इंग्लिश कहलाती है. जो बचपन में स्कूलों में पढ़ते थे, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, क्लॉज क्या है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, फलाने क्या होते हैं, ये सारी चीजें होती है फाउंडेशन इंग्लिश. और आप कोई जब फाउंडेशन इंग्लिश आपकी ठीक होती है, आपको आती होती है, CSS की तैयारी उसके कि जी अब आपको पता है कि ग्रामर का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये चीजें क्या है, नाउ यूज दोज रूल्स एंड राइट अ प्रेसी, नाउ यूज दोज रूल्स एंड राइट अ कॉम्प्रीहेंशन. तो बेसिकली आई डोंट हैव द बुक, आई हैव द की इन PDF बुक. तो हमजा मैं की भेज दूंगी. ठीक है, तो हमने अब खुद का खुद जज होना है. अगर फाउंडेशन इंग्लिश में हमें फील हो कि हमें प्रॉब्लम है, वैसे तो मैं चेकिंग में कुछ निकालती रहूंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन इफ यू फील लाइक योर ग्रामर इज नॉट ओके, योर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट फाइन, फाउंडेशन इंग्लिश इज नॉट गुड, देन यू मस्ट बाय जॉन ईस्टवुड एंड यू मस्ट बाय रेन एंड मार्टिन एंड वर्क ऑन द फाउंडेशन इंग्लिश. क्योंकि हम CSS की चीजें तैयार कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टिंग कि हमारी फाउंडेशन इंग्लिश ठीक है. ठीक, ये होगी बात. आगे चलते हैं एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश. मैंने कहा इसके ऊपर पैसे वेस्ट बाय दैट बुक, क्योंकि नो आई डोंट लाइक इट. और एक जमाने में 2008, 9, 10 वाले टाइम पे उसमें से पेपर आता था
उसमें से पेयर ऑफ वर्ड्स आते थे, लेकिन उस वक्त इतना कॉम्पिटिशन भी नहीं था. नाउ इट्स डिफरेंट. अब कॉम्पिटिशन डिफरेंट है, लोग डिफरेंट हैं, पॉपुलेशन फर्क है, बहुत लाइक फाइक लोग बैठ रहे, तो उन्होंने अपने पेपर भी पैटर्न उस हिसाब से चेंज कर ली. तो अभी जो आपकी एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो डेफिशिएंट होगी और वो तैयारी के लिए कम होगी. आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. मैंने हाफिज से किया और पास्ट पेपर्स किए, रन एंड मार्टिन सिर्फ चीजें प्रैक्टिस की, लेकिन मेन बुक मेरी हाफिज ही थी. यस, जो मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स और ये चीजें किए थे वो मैंने हाफिज से ही किए थे. उन पे आते हैं, ठीक है जी. और लास्टली हमारी रन एंड मार्टिन है, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूं. अब हम आते हैं एक चीज के ऊपर, विच इज योर डेली अलार्म. आपने रोज, माई लेक्चर्स आर इनफ, एग्जैक्टली, एंड हाफिज की बुक, यस, इंशाल्लाह, दैट इज वॉट आई एक्सपेक्ट. अच्छा, आपका जो भी कोई फेवरेट आर होगा ऑफ द डे, सुबह फजर के बाद, रात को इशा के बाद, सुबह 4 बजे, आपकी मर्जी है, कोई एक घंटा अपने दिन में चूज कर ले और उस घंटे में आपने ये फॉलोइंग 5 चीजें करनी है. लेट मी राइट देम डाउन सो दैट यू नो. रेमंड मर्फी इज ऑल्सो गुड. यस, रेमंड मर्फी इज ऑल्सो गुड. रेमंड मर्फी के साथ लेकिन कुछ चीजों पे मेरे इख्तलाफ है, क्योंकि ना वो जैसे यूज टू को मैं कहती हूँ रूल्स, हम कहते हैं कि नेगेटिव में हम यूज टू इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसने नेगेटिव में भी किया हुआ है, आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल. तो उसकी कुछ चीजों से मुझे थोड़ा सा वो जो है इख्तलाफ है, इसलिए मैं रेमंड मर्फी को बहुत भी वो नहीं करती, लेकिन इट्स अ गुड बुक. यस, फॉर फाउंडेशन इंग्लिश इट्स गुड. I just said कि दिन में एक घंटा आपका अलार्म बजना चाहिए किसी एक टाइम पे, कि अगला एक घंटा अब आप ग्रामर के जिम्मे जो है वो करने वाले हैं. उस एक घंटे में आपने 10 idioms करने हैं, 10 pair of words करने हैं, ठीक है, 10 synonyms करने हैं, वो मैं बताती हूँ synonyms कहाँ और कैसे होंगे. उसके बाद आपने phrasal verbs नहीं, 10 phrasal verbs करने. ये सारी चीजें आपने किताब में से ही करनी है, ठीक है. जो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, दे आर सफिशिएंट इन योर हाफिज वाली बुक, दे आर इनफ, ठीक है. 5 से स्टार्ट कर लें, तो देन यू विल बिल्ड इट अप, कीप बिल्डिंग इट. 10 पे भी रुकना नहीं है, हम फिर बढ़ाते जाते. इडियम्स जो है वो आप हाफिज से करें, लेकिन हाफिज में इडियम्स कम है, पेयर ऑफ वर्ड्स काफी हैं, मैं उनके लिए और बुक रिकमेंड नहीं करूं. बाकी जो आपकी इडियम्स हैं, इडियम्स उसमें थोड़े हैं. तो जो लोग 2022 में अपीयर हो रहे हैं वो तो चलो अभी जो हाफिज में दिए हैं उन्हीं को ही कर लें, लेकिन जो लोग 2023 में शायद अपीयर होने वाले हैं, जिनके पास टाइम है, एक किताब है जिसका नाम है मैक मॉर्डी, प्लीज बाय दैट बुक फॉर योर इडियम्स, ठीक. फ्रेजल वर्ब्स के लिए आपकी ये किताब काफी है, हाफिज की या बीए वाली बुक, दे आर सफिशिएंट. ठाक बड़ी लिस्ट है फ्रेजल वर्ब्स की, वो इसमें काफी दी. फ्रेजल वर्ब्स भी यहां से ठीक हैं और आपके पेयर ऑफ वर्ड्स भी यहां से ठीक हैं. आपकी सिर्फ जो इडियम्स हैं वो इसमें डेफिशिएंट हैं, वो मैं रिकमेंड कर रही हूं मैक मॉडी बुक, ठीक है. आई हैव गिवन इट फॉर दिस पीडीएफ थिंग, अब वो सॉफ्ट में कन्वर्ट होने, स्कैन होने गई हुई है. मैक मॉडी की बुक मुझे बहुत बच्चों ने कहा था तो वो मैंने भेजी हुई, ठीक है. बट दैट्स सम ओल्ड एडिशन ऑफ माइन, इट वॉज माई एल्डेस्ट सिस्टर्स, तो वो अभी तक चल रही है, लेकिन उसके कोई शायद नए एडिशन भी आ गए हैं, बट आई विल बी शेयरिंग द वन आई हैव, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आते हैं जी हम सिनोनिम्स के ऊपर. सिनोनिम्स आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एमसीक्यू का पेपर है वो आपका पेपर आएगा, 10 आपके सिनोनिम्स होते हैं विच इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और 10 आपके एंटोनिम्स होते हैं विच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड. तो मीनिंग्स एंड ऑपोजिट्स. ने वाला बच्चे मुझे ये सवाल भी पूछते हैं कि मैम हमें सिनोनिम्स का आपने बता दिया, अब एंटोनिम्स का हम कहां से करेंगे.
आई डोंट नो इफ आई हैव टू गिव एन आंसर टू दैट या आप समझ गए. खैर, बैरेंस की एक किताब है, जैसी बैरेंस की ये बुक है आइल्स की. बैरेंस इज अ कंपनी आई थिंक, इट्स अ ब्रांड जिसकी बुक्स हैं. तो ये इनकी आइल्स की किताब है. इसी तरह इनकी जीआरई की भी एक बुक है. तो बैरेंस की एक बुक मिलती है जिसका नाम जीआरई है, ठीक है, और वो आपका होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ठीक, और वो आपने देना होता है अगर आप यूनिवर्सिटीज के लिए इंटरनेशनली अमेरिका वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यू हैव टू टेक दैट एग्जाम. अब बात यह है कि उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है, जैसे महम ने लिखा जीआरई वर्ड लिस्ट है, उसको कहते हैं मास्टर वर्ड लिस्ट. उसमें 3500 अल्फाज हैं और वो लिस्ट याद करने का तरीका है, इट कैन नॉट बी लर्न जस्ट लाइक दैट, ठीक है. उसको याद करना एक तो टाइम टेकन काम है. आप में जो डॉक्टर्स होंगे, मैं अक्सर कहती हूँ कि उन्होंने एंट्री टेस्ट के टाइम पे प्रोबेबली याद की है, तो उनके पास थोड़ा सा एज है कि वो ऑलरेडी उनके फ्लैश कार्ड्स चीजें बने हों. जो नहीं कर चुके हैं वो अब उसको याद करेंगे. अच्छा, अब दो टाइप के मसले हैं, एक के हमारे पास टाइम कम है और दूसरा ये कि एक तो ये लंबी बहुत है, 3500 लफ्ज याद करना उनको लिखना अजाब है, ठीक. वाई आई रिकमेंड हाफिज की किताब, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी का पार्ट दिया है, पार्ट टू, ठीक है, दिस इज वेरी क्लीन. मेरा इतना साफ सुथरा है क्योंकि आई हैड ऑलरेडी माई जी आर ई बुक एंड माई फ्लैश कार्ड्स. इट सेज जी आर ई मास्टर वर्ड लिस्ट. तो बेसिकली हाफिज ने उन वर्ड्स को उर्दू में कन्वर्ट करने के बाद आगे उसका सिनोनिम भी दिया है इंग्लिश में. यू डू नॉट हैव टू बाय अनदर बैरेंस जी आर ई बुक इफ यू हैव दिस बुक. सो दिस इज इनकम्पसिंग ऑल, इसके अंदर सारा कुछ है. सो इफ यू हैव दिस वन बुक, यू हैव मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं बता रही, ठीक है. तमीना बच्चे, सेंटेंस स्ट्रक्चर वुड बी द फाउंडेशन इंग्लिश अगर. वो खैर आपके स्ट्रक्चर्स मैं जब चेक करूंगी तो उसमें मैं करेक्ट करती जाऊंगी जहां जहां स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज मुझे नजर आएंगी. तो बैरन की किताब अलहदा से स्पेशल खरीदने की हरगिज़ जरूरत नहीं इफ यू हैव द हाफिज वाली बुक. नाउ हाउ डू वी मेक द फ्लैश कार्ड्स एंड हाउ डू वी लर्न द सिनोनिम्स. हमने सिनोनिम्स को याद करने का ये तरीका करना है कि आप पेजेस खरीद लेने, वो एक पूरा रिम खरीद लें विच इज कॉल्ड, दो A4 साइज के होते हैं और उसको डबल ए कहते हैं, जो भी पेपर. ये आपका एक पेज है और इसको मैं 3 times फोल्ड करूंगी, 1, 2, and 3. मैंने इसको एक पेज को इंटरनेट कह रही हूं, A4 साइज का जो प्रिंटर का पेज होता है उसको मैंने 3 times फोल्ड कर दी. अब मैं इसको फाड़ दूंगी, ठीक है जी. अब जैसे ही मैंने फाड़ा तो मेरी एक शीट ऑफ पेपर में से 8 cards बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये आप एज्यूम कर लें कि ये एक कार्ड है मेरे हाथ में फटा हुआ. फ्रंट पे मैं वर्ड लिखूंगी. आई यूजली शेयर दीज फ्लैश कार्ड्स ऑन माई स्टोरीज एज वेल. जब बच्चे बना के मुझे पिक्चर्स भेजते हैं तो आई शेयर द स्टोरीज कि बाकी बच्चों को भी आइडिया हो कि दिस इज हाउ यू मेक योर फ्लैश कार्ड्स. तो यू राइट द वर्ड इन फ्रंट एंड यू राइट द मीनिंग एट द बैक. और जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं वो मीनिंग के साथ उसका जुमला भी लिखेंगे, ठीक है. और ये आपको जुमला कहां से मिलेगा, आपको मिल सकता है मेरियम वेबस्टर नामी डिक्शनरी. इट इज अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड, मेरा इस डिक्शनरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं. ऐप स्टोर पे पड़ी हुई है, डाउनलोड कर ले. अगर वो नहीं पसंद, अपनी पसंद की कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड कर ले. मेरियम वेबस्टर मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ये इजी है. इसके अंदर सिनोनिम्स देते हैं, एंटोनिम्स देते हैं, उसका थिसॉरस देते हैं, और उसके साथ ही आपको नीचे उन्होंने सैंपल सेंटेंसेस भी बना के दिए होते. तो आई लव दैट डिक्शनरी बिकॉज इट्स वेरी सिंपल टू यूज, ठीक है. नेम ऐप का मैं लिख देती हूं, मेरियम वेबस्टर, ठीक हो गया जी. तो आपने अपने जो ये इसका इस तरह दिखता है, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस, ये वाला रेड सा, दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है जी. अच्छा, ये हो गए हमारे फ्लैश कार्ड्स. अब आपने अपने फ्लैश कार्ड्स, जब भी आप ब्रेक ले रहे हैं, खाने की ब्रेक, पानी की ब्रेक, वॉशरूम की ब्रेक, आपने रिवीजन स्टार्ट कर देनी है कार्ड्स की,
10 कार्ड्स, 20 कार्ड्स, 50 कार्ड्स रिवाइज करें, और जब आप भूल जाएं, इसको मोड़ के पीछे से देख लें कि इसका मीनिंग क्या था, डजंट मैटर. द मोर यू रिवाइज द बेटर योर मेमोरी ट्रैक्स आर गोइंग टू गेट, और उतना आप अच्छा काम कर लेंगे पेपर में. जिनके पास टाइम कम है, 3500 वर्ड्स याद नहीं कर सकते हैं, ऑफकोर्स प्रॉब्लम है. तो अभी हम क्या करेंगे कि वी हैव अनदर लिस्ट विच इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी लिस्ट. GRE की लिस्ट के अंदर 350 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई गई है जिसका नाम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट रखा गया. उस वर्ड वो लिस्ट मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ, वो सॉफ्टवेयर मैंने कन्वर्ट करवाई. उन वर्ड्स के मीनिंग्स और वो आप याद कर लें जिनके पास टाइम कम है. हम क्या करेंगे, 350 वर्ड्स, मतलब कुछ ना करने से एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ठीक है, तो 350 वर्ड लिस्ट, वर्ड्स की लिस्ट होगी. तो ये हो गया हमारा सिनोनिम्स. अब इसके बाद बच्चे मुझे कहते हैं मैम हम एंटोनिम्स कैसे याद करें. तो आपको एक एक वर्ड दिया है और नीचे उसके चार ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं कि जी इन चारों में से इसका उल्टा कौन है. तो जब आपने सिनोनिम्स में एक बंदे का वर्ड वर्ड का मीनिंग याद कर लिया है, आपको अगर किसी लव्स का सिनोनिम आता है, उसका मीनिंग आता है, तो फिर आपको उसका उल्टा भी आता है. ठीक है ना. तो बेसिकली आपने याद सिर्फ सिनोनिम्स करने हैं, ऑटोमेटिकली आपके एंटोनिम्स तैयार हो रहे हैं. ऐसा ही है. तो हर बार जब मुझे इधर पहुंचने के बाद बच्चे पूछते हैं कि फिर मैम एंटोनिम्स का क्या करना है, तो फिर मैं कहती हूँ यार ज़हे नसीब, क्या सवाल है. ठीक है जी. तो ये हो गई बात हमारी डेली अलार्म की. वो जो एक घंटा होगा उसमें आपने सिनोनिम्स करने हैं, एंटोनिम्स करने हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं, इडियम्स करने हैं, और फ्रेजल वर्ब्स करने हैं, और फ्लैश कार्ड बनाने हैं अपने सिनोनिम्स के. ठीक है. वोकैबुलरी रजिस्टर पे लिख के कभी भी याद नहीं होगी. इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द एंटोनिम्स गिवन इन द ऑप्शंस, फिर आप अल्लाह का नाम लेके आपको जोन सा ठीक लग रहा है आप उसको सर्कल कर लेते, खाली छोड़ के नहीं आना. फिर जो पसंद है टिक करना. ठीक है. ये तो मैं बार बार रिपीट करूंगी कि खाली जगह छोड़ के पेपर में नहीं आना. नहीं भी आता तो भी अटेम्प्ट करके आना. ठीक है जी. अच्छा जी. नहीं नहीं नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सीएसएस में कोई मार्किंग नहीं है. सिनोनिम्स एंटोनिम्स भाई वो दो अलग थे. ठीक है. तहरीन, वोकैबुलरी इज योर सिनोनिम. वोकैबुलरी आपके यही अल्फाज हैं जो नए वर्ड्स आप याद करें जीआरई की वर्ड लिस्ट के. बुक से डेली करें. पीएमएस में भी आई थिंक नेगेटिव मार्किंग नहीं है. शायद वो पीएमएस का मैंने एग्जाम नहीं दिया, मुझे मालवी से पूछना पड़ेगा. शी हैज टेकन दैट एग्जाम सीएसएस पीएमएस वाले. फ्लैश कार्ड का मेथड रिपीट कर रही हूं. जिनका फिर भी रह जाए प्लीज, आपने प्रेपोजिशंस का, आई एम प्रिपेयरिंग अ लेक्चर ऑन दैट. मुझे पिछले बैचेस वाले बच्चे भी कहते थे एक्चुअली माय टीचर्स डिड नॉट टीच मी प्रेपोजिशंस, और मैं अपने अंदाजे भी कर लेती थी. मतलब बस पता होता था कि ऑन आएगा, इन आएगा, क्या आएगा, मतलब अपने ऑटो पे. लेकिन समहाउ ऐसे में सुना है रिव्यूज अपने स्टूडेंट्स से ही. आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ सर आरिफ, सो आई डोंट नो. ही केम आफ्टर आई लेफ्ट नोवा, तो मुझे फिर उनका इतना आइडिया नहीं है. पर बच्चों के रिव्यूज अच्छे हैं. स्टूडेंट्स गिव गुड रिव्यूज अबाउट सर आरिफ टू. वो कहते हैं कि बाकी कोई इंग्लिश के नोवा के टीचर पर मैं कॉमेंट नहीं करूंगी, लेकिन सर आरिफ के मैंने रिव्यूज अच्छे सुने. ठीक है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. Do not attempt papers on your own. अपने आप से बैठ के past papers नहीं करने हैं. ठीक है. Specially grammar के. आपको मैं कोई चीज सिखाऊंगी, आप past paper खोल के उसको attempt करने की कोशिश करेंगे और आप demotivate होने के साथ साथ CSS की तैयारी भी छोड़ देंगे कि ये चीज मेरे बस की बात नहीं है,
जबकि वो प्रॉब्लम आपका नहीं होगा, वो कोई ऐसा गंदा घटिया पेपर आपने गलती से उठा लिया होगा जो कि आपको पता नहीं था। तो हमने खुद से बैठ के कोई पेपर नहीं करने, दैट इज फाइनल। मैं बताऊंगी कि कौन सा पेपर करें, फिर कौन सा पेपर करें। मैं हर क्लास के बाद आपके होमवर्क, आपके पास्ट पेपर्स बताती जाऊंगी। कुछ मैंने यूं मतलब होमवर्क टाइप बना के भी रखे हुए हैं, दे विल बी सेंड टू यू राइट आफ्टर द क्लास कि जी आज आपने ये होमवर्क करके सबमिट करवा। लेकिन खुद से पास्ट पेपरें खोल के खुद से प्लीज खुद ही स्ट्रेस में ना करें, ठीक है। देर आर बैड पास्ट पेपर्स। आज तक मैं 2006 का, 2004 का, 2017 का ये पेपर्स मैं अभी भी देखती हूँ तो थोड़ी देर के लिए हाथ पांव फूल जाते हैं। मतलब आई बीन टीचिंग सिंस लास्ट 4 years। तो आप लोग तो फिर भी बचे हैं, आप लोग तो अभी तैयारी स्टार्ट करें। सो डोंट डू दैट योरसेल्फ, ठीक हो गया। होमवर्क का कोऑर्डिनेटर को या वजूहा को मैंने कहा था कि क्लास में बड़ा क्लियरली बताना है, इफ शी डिड नॉट टेल यू अबाउट द होमवर्क तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। डिड शी नॉट? आपका स्पेशल ईमेल आईडी बनाया गया था, हाँ। सो दैट आईडी वॉज शेयर्ड इन द ग्रुप एज वेल, और यू वुड बी शेयरिंग योर होमवर्क इन पीडीएफ फॉर्म on that email address, which I'll be checking. Okay, जी, आगे आते हैं। आज के बाद डिक्शनरी आपके फोन में डल जानी चाहिए, 5 months आर सफिशियंट। मैं एक बात कहती होती हूँ, FPSC ने जो सिलेबस दिया है अगर वो 6 महीने में आपका कवर नहीं हो रहा है तो फिर आप डिट्रैक्ट हैं, फिर आप गलत तैयारी कर रहे हैं। वरना जो सिलेबस FPSC ने दिया है वो 6 महीने में कवर होने के काबिल है, ठीक है जी। 6 महीने से ज्यादा टाइम उसका नहीं लगता। हाँ, फिर वही बात है कि आप जितना गुड़ डालते हैं वो उतना मीठा होता है, तो फिर आप उसको और बेहतर तैयारी को बिल्डअप करते जाए। लेकिन उसकी बेस लाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो आउटलाइंस दी हुई है FPSC की, वो समझने के लिए 6 महीने बहुत। या 4 months लेफ्ट, तो पीछे कुछ तो पड़ा होगा ना पिछले पूरे साल में कि बैठे हुए थे बस मजे कर रहे थे। Handwriting does not matter. ये मैं example अक्सर देती हूँ, क्योंकि if only I could share my husband's handwriting with you guys, I am going to request him to write a paragraph for me and I should keep it with myself. जो बच्चे मुझे handwriting का पूछते, एक लोग होते हैं जो सीधा लिखते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं ना ऐसे आगे की तरफ ऐसे slant, literally उसका यूं पीछे की तरफ है। I don't know, I can't even understand, I can't, उसके दो लव्स क्या है, प्लस ही डॉक्टर और उसकी राइटिंग यूं पीछे की तरफ है, और अजीब सा वो मतलब वो ए जो है वो कंप्लीटली बंद भी नहीं होता, मतलब वो ऐसे यू की तरह ऊपर से खुला हुआ। ही स्टिल क्वालिफाइड 2019, ही क्वालिफाइड द CSS एग्जाम। इसका मतलब है कि राइटिंग अगर देखते होते ना तो फिर ये बंदा नहीं था पास होना, तो हैंड राइटिंग तो कंसिडर नहीं होती, ये मैं समझ गई, ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कि आप लोग जो इनबॉक्स के मैसेजेस लोगों को कर रहे हैं ना, मैं भी करती थी, सारे करते हैं, ठीक है। अभी लिस्ट आएगी, पास हो जाएंगे, लिस्टों में नाम भी बंदा टैग हुआ है, हाउ डिड यू राइट योर एसे, प्लीज शेयर योर नोट्स, स्टॉप डूइंग दैट प्लीज राइट अवे, ठीक है। देर आर अ वेरी फ्यू पीपल हु आर गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ। 90% लोग मिसगाइड करेंगे, झूठ बोलेंगे, गलत। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक जो कहेंगे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं और मैं पास हो गया, बंदा कहता है यार यही वाली लक चाहिए, एग्जैक्टली ये वाला माथा जो है ना ये चाहिए। दूसरे वो होंगे कि मतलब वो आपको पाक अफेयर के एक टॉपिक के ऊपर ऐसी 4 encyclopedias के नाम देंगे कि मैंने ये भी पढ़ी थी और मैंने ये भी पढ़ी थी, बंदा कहता है भाई ये तो मेरी बस ही, ये मतलब ये मेरी औकात से बाहर बात, ये मेरे दिमाग की, ये सब झूठ बोलते हैं लिटरली। आई एम सॉरी टू डिस्क्लोज इट टू यू, लेकिन ये झूठ है। CSS एक इंसानों का एग्जाम है जो इंसान ही कंडक्ट करते हैं, इंसान ही बैठ के देते हैं, चेकर भी इंसानी और पास भी इंसानी होते। मुझे किसी बच्चे ने उस दिन कहा है, मैं फर्स्ट 1% जो है वो रिजल्ट आ रहा है, मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। उसने कहा नहीं मैम तुम्हें पास कैसे होगा, मैंने कहा तो आपने ये क्यों सोच लिया कि आपका 99% में नाम, आप अल्लाह से दुआ करें कि वो आपका भी नाम हो, अच्छा थोड़े पास है, इंटरव्यू में फायदा हो जाएगा, जल्दी जल्दी पास हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैम आप तो बहुत ही पॉजिटिव हो, मैंने कहा यार तो पॉजिटिव सोचें, देखें गुमान तो अल्लाह से अच्छा रखें, अभी रिजल्ट आया तो नहीं,
यू नेवर नो योर नेम माइट बी इन द लिस्ट. ठीक है ना, पहले सोच के बैठे 1% रिजल्ट आ रहा है, मैं तो उस 1% में नहीं हूं, तो भाई फिर इसका मतलब आपको दिल में पता है कि आप 1% में नहीं है, आपने पेपर खराब किए थे, तो बस फिर जाओ. ठीक है, हाँ लोग बना लेते हैं. और मैं आपको एक बात भी बताऊं, जो लोग झूठ बोलते हैं ना उनकी साइकोलॉजी भी अब मुझे समझ आती है कि व्हाई डू दे डू दैट. मैंने जब नोआ में जब मैंने क्वालिफाई किया था और उन्होंने एक बड़ी प्यारी सेरेमनी अरेंज की, सबको जी थैंक यू कर रहे हैं, वो ऑनर कर रहे हैं, तो आई वेंट टू द स्टेज, मैंने कहा यार सारे जो है वो एक दूसरे के पास हुए वालों की आपस में तारीफें करें, पीछे जो है ना स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे और आई वॉज टीचिंग इन टाइम, तो मैंने कहा यार आई शुड से समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स ताकि वो बेचारे भी मोटिवेट हो जाए, वो जो है वो थोड़ा पढ़ाई की तरफ थोड़े वो हो जाए. तो आई शेयर्ड माय स्टोरी ऑफ दैट सी पैक व्हिच समहाउ वेंट वायरल. एक तो माय थिंग्स डू गो वायरल व्हेनेवर आई से और डू समथिंग. फिर उसके बाद अफसरशाही खत्म करो भी करके कि भी मेरी पिक्चर लगा के, सोनिया सदफ वाला कोई किस्सा चल रहा था, तस्वीर उस पर मेरी लगा के, वो भी कंट्री स्टडी टूर की तस्वीर जो है वो लगा के उस पर अफसरशाही खत्म करो, ट्विटर पे ट्रेंड चल गया. खैर जी, सी पैक वाला उन्होंने जो है ना वो कर दिया वायरल, और नोआ वालों ने जो है वो वीडियो मेरी आधी लगाई. और उसके बाद जो है मजे की सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके नीचे लोगों के कमेंट्स थे वर्थ रीडिंग, ये पर्ची, ये फलाना, ये इस किस्म के पास हो गए, ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हाल है, ये फलाना है, ये ठिकाना है. तो आई वॉज थिंकिंग कि यार मैंने ये किस कॉन्टेक्स्ट में स्टोरी शेयर की, टेलिंग द पीपल कि यार इट्स ओके यू डोंट नो, इट्स ओके अगर शुरू में चीजें नहीं आती हैं, इट्स फाइन, नोबडी इज बॉर्न विद ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड. कौन है दुनिया में जिसको आते पैदा होते ही सब ही कुछ पता था, आज भी मतलब. और मैं कहती हूँ अगर आपका लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया, मैं आज भी सीखती हूँ, और कई दफा क्लास में स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज इट्स अ टू वे प्रोसेस, बच्चे मुझे चीजें बता रहे होते हैं, मैं पूछ रही हूँ, हम लोग डिस्कशन में बहुत कुछ सीख लेते हैं, आई स्टिल लर्न. और जिस बंदे ने लर्निंग खत्म कर दी तो मैं तो कह रही हूँ वो तो बस फिर उसका तो वो मौत ही वाकई हो जाए उस बंदे को, उसने सब कुछ सीख लिया. तो जी वो फिर इतना मुझे बैड कमेंट्स मैंने पढ़े, और फिर मैंने उस टाइम सोचा, मैंने कहा यार नाउ आई अंडरस्टैंड. यही स्टेज पे खड़े होके मैंने कहना था ना कि मैंने सी पैक के ऊपर 18 जर्नल्स पढ़ी थी एंड आई वाज सच अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो जी वाह वाह हो जानी थी, बहुत बेहतरीन. लेकिन आई वुड हैव बीन लाइंग, आई वुड हैव बीन मिसगाइडिंग और चीटिंग द पीपल हु वर लिसनिंग टू मी देयर एंड वांट. तो फिर मैंने समहाउ सोचा, मैंने कहा यार हम ऐसी कौम से बिलोंग करते हैं ना बेसिकली के सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स ये है कि हम बस यही सुनना चाहते हैं कि जी अनडूएबल है और हम नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता और ये बट ऐसा कोई बात नहीं, समझ रहे. जब 14-15 हमारे इंग्लिश के लेक्चर्स हो जाएंगे यकीन करें आपको लगेगा हमारे सर से बोझ उतर गया इंग्लिश का, क्योंकि दैट इज हाउ इट इज, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इंसान ही पास करते हैं और इंसानों के लिए ही एग्जाम बने. थैंक यू अली, समबडी फाइनली सेड इट, बट यू नो नॉर्मल कॉमन हमारी पॉपुलेशन ऐसी. अच्छा जी, तो होगी ये हमारी बात. अब हम एक चीज है पेपर अटेम्प्टेशन की, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने अब अपने लेक्चर का पार्ट बनाई है, वो इसलिए क्योंकि उसकी स्टोरी भी सुना देती हूं कि क्यों मैंने ये कहा है कि बच्चों को मैं कहती होती हूं कि हम प्रेस क्वेश्चन सबसे एंड में अटेम्प्ट करें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम प्रेसी करते हैं, और बाकी पूरा पेपर जो है ना इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट बिफोर आर प्रेसी एंड द कॉम्प्रिहेंशन इन पेपर. अब बात ये है स्टार्ट हो गई है उन बहनों पर एंड इवन सेड और पास करो सीएसएस, क्या मतलब इसका. अच्छा इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई मना, एफपीएससी को नहीं पता, बकवास है. और एक और बात भी मैं आपको बता दूं, देयर इज नो इंक्वायरी, हियर आए हैं वो कह रहे थे उस टाइम, टैग कर रहे होते थे कि इनको चेक करो, तो यार एफपीएससी को तो पता है कि उन्होंने चीटिंग नहीं किया ना, वो तो खुद अंदर के खुद है, वो क्या इंक्वायरी करे. दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊं, जो ये लोग हैं ना, एक एक बड़ी पॉपुलेशन में ये मैसेज मुझे आता होता है कि मैम मैंने सुना है कि इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो पास करते हैं. मैंने कहा भाई मैं कौन, मेरा
मेरा क्या इन्फ्लुएंस है. लिटरली आई वॉन्ट टू नो. मैं आपको बता रही हूँ, माई स्टूडेंट्स आप लोग मेरे बहन भाइयों की तरह छोटे. आई स्वेयर कोई इन्फ्लुएंस नहीं. आई डोंट नो एनीबडी. कोई एलीट उसमें किसी ने लिखा हुआ था इसका बाप पॉलिटिशियन है, नीचे दूसरे कमेंट में किसी ने कहा था क्या नाम है इसके बाप का, तो आगे कहते हैं नाम मुझे नहीं पता लेकिन है पॉलिटिशियन. ओ भाई बाप मेरा वापरा में था. पॉलिटिशियन कौन कहां कैसे भाई, मतलब कुछ भी. तो ये वो लोग हैं जो पढ़ते नहीं हैं, सच बता रही. और जब आप याद रखिए, अभी आप लोग तैयारी पे हैं, जिस दिन आप टाइम वेस्ट करेंगे, जिस दिन आप लोग पार्टी करेंगे, आप दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, उस दिन आपको गिल्ट फील होगा, आपको बुरा लगेगा कि माँ बाप ने यार एकेडमी के पैसे भी जमा कराए, किताबें भी खरीदी हैं और अब मैं पढ़ नहीं रहा हूं. ऐसे लोग अपने जमीर को सेटिस्फाई करने के लिए ये बातें करते हैं कि ये जो पास हो रहे हैं ना, ये सारे इनके बैकअप है, इनके कोई ना कोई सिफारिशें हैं इनकी. ओ भाई रिटन आपके 12 पेपर 12 डिफरेंट लोग चेक कर रहे हैं, और जिन क्वेश्चंस में आपके पेपर्स में चार चार सवाल है ना, चार बंदे चेक कर रहे हैं. सीपैक का सवाल एक बंदा चेक करेगा, रिलेशंस का सवाल एक बंदा चेक करेगा, तीसरा हाउ आर 12 पीपल बॉट. 12 से भी ज्यादा है झूठ बोलते हैं जो कह रहे हैं कि सिफारिश नेसेसरी. मैं अपने स्टूडेंट्स का बताती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू नेम एनी नेम्स हियर. मेरा स्टूडेंट है, उसके फादर लेबरर हैं, मजदूर हैं, और वो बंदा एमएलसी में पहले ऑडिट एंड अकाउंट्स में गया, फिर ही गॉट एलोकेटेड री एलोकेटेड इनटू एमएलसी जी. तो मैंने कहा यार इसकी कितनी कुछ सिफारिशें थी. उसने क्या किसी सेक्रेटरी के घर पे, उस सेक्रेटरी ने कहा मैं अब तेरा बेटा पास कराऊंगा, तूने बहुत अच्छी इंटेल लगाई. और मजे की बात यह है कि वो, मैंने ये एक दफा कहा भी, मैंने कहा यार मैं आखिर में वहां पहुंची जो एक मजदूर का बच्चा जहां पे खुद पहुंच गया, तो मैं एमएलसी में पहुंची, फिर तो लानत, फिर तो मैं, मुझे पहुंचना चाहिए था पुलिस के अंदर, प्रेस के अंदर, जो मेरे फेवरेट ग्रुप्स थे, चौथे पांचवें पे जाके मैं गिर गई. तो बात यह है कि इफ आई कैन पिन पॉइंट, बल्कि आप लोग इंशाल्लाह जब सीएसएस क्वालिफाई करेंगे और आप जब सिविल सर्विस एकेडमी जाएंगे, मुझसे लिख के साइन करा ले कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या जिनके बाप सेक्रेटरीज हैं या जिनका बाप कोई बड़ी चीज है या मिनिस्टर है, वो हार्डली 6 से 7-8 बच्चे होंगे और वो एक ही ग्रुप में फिर रहे होंगे, वो नजर भी आ रहे होंगे, ये बर्गर जा रहे हैं सारे इकट्ठे, 5-6 जो है ये एक ही जैसे. बाकी 99% ऑफ द पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास. देख लेंगे आप खुद जाके विटनेस करिए, सारी बोंगियां और बकवास बात. हाँ हम लोग 5 बहनों को क्वालिफाई क्यों हुआ उसका मैंने आपको भी बताया. कॉन्वेंट प्रॉब्ली इसके पीछे वो है. कॉन्वेंट का इशू ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश थी, और मैंने भी आपको कहा कि जो अच्छी अंग्रेजियां बोलने वाले प्राइवेट स्कूल हैं वो अमेरिकन फॉलो कर रहे हैं, फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई फैशन बना हुआ, तो सीएसएस वाले उनको फेल कर दे, उन्हें ब्रिटिश चाहिए, प्योर प्लेन ब्रिटिश चाहिए. प्लस हम लोग सारे बुक रीडर्स थे, किताबें पढ़ते थे, तो आप जितनी किताबें पढ़ते हैं आपका उतना एक्सप्रेशन प्यारा होता है. सीएसएस में टारगेट ही अंग्रेजी होती है, एक बंदे की अंग्रेजी ठीक है तो बस उन्होंने पास कर. ये सोचने की बात है ना, इतनी कुछ मेरी अप्रोच थी कि मैं सीएसएस क्वालिफाई करवा चुकी हूं खुद को, तो यार फिर मैं थोड़ा सा और धक्का लगा के पैसे में भी चली जानी थी ना, थोड़ा सा और लगा के पुलिस में चली जाती, फिर मैं एमएलसी में आ गए, मैं 5वें पे क्या कर रही. जोहा अभी हुई है, उसको ओएमजी में हमने क्यों भेज दिया, फिर थोड़ा सा जरा सा सिफारिश और कर देते, थोड़ा जोर लगा लेते तो पुलिस में चली जाती. ये सब होंगे ठीक है. अभी हम तहरीम, हमें पता चलेगा कि ब्रिटिश फॉलो कर रहे हैं या अमेरिकन. मैं रूल्स में आपको सिखाऊंगी चीजें कि अमेरिकन ये कहते हैं, ब्रिटिश ये कहते हैं, स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस है. सो डोंट लिसन टू दिस बुलशिट, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट ये सब नालायक बच्चों की खुद को तसल्ली देने वाली बात है. हाँ 2019 का मैंने पास किया रिटर्न दोबारा, फिर मेरी सिफारिश जो है वो वीक हो गई, इंटरव्यू में मेरा जीरो हो गया, इंटरव्यू फारिग हो गया भाई. तो करते हैं, उन्होंने कहा रीएलोकेट हम किसी को नहीं करेंगे, जॉब काम करो सारे. तो फिर सिफारिश थी तो फिर ये कैसे रीएलोकेट कैसे मैं नहीं हो गई, ठीक है ना. एमएलसी इज नॉट दैट बैड. मैं 2019 में इंटरव्यू में नॉन सीरियस ही तब हो गई थी बिकॉज आई स्टार्टेड लविंग माई ग्रुप. एमएलसी तो अभी तो मैं आई एम द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ द ग्रुप. मैं लोगों के तीसरे दूसरे पे ले आया था, जोहा का मैंने कहा था थर्ड पे रखू बिकॉज शी डिडंट वांट फॉरेन सर्विस, शी डिडंट वांट पास. वो पुलिस उसका फर्स्ट पे था, कस्टम्स रखा हुआ था, थर्ड पे उसका एमएलसी था.
सो ग्रुप्स आपकी चॉइस होते हैं. बट नाउ आई नो इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे जी भाई, मेरे को जो है आइडिया नहीं. जी आगे चलते हैं. तो मैं ये बता रही थी कि हम लोगों ने ये कहा था कि हमारी पेपर एडमिशन हमने प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आखिर में करनी है, और हमारा जो बाकी पेपर होगा वो हम पहले कर लें. अब मजे की बात ये है कि 2019 में मैं जब अपीयर हो रही थी तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स, और हमारा जो सुपरिंटेंडेंट था जो अनाउंसमेंट्स कर रहा था, उसने क्लास में उधर ऑडिटोरियम में अनाउंसमेंट किया कि आपके पेपर के अंदर रूल्स के अंदर एक चीज मेंशन्ड है, और वो चीज ये है कि आपको पेपर में जो सीक्वेंस है वो चेंज आप क्वेश्चन पेपर का और आंसर पेपर आंसर शीट के ऊपर नहीं कर सकते. तो अगर क्वेश्चन पहला जो है वो प्रेसी का है तो आप पहले प्रेसी ही करेंगे और फिर आप अपना सीक्वेंस में ही पेपर करेंगे. तो इट साउंडेड वेरी ऑकवर्ड. मैंने कहा ऐसा रिस्ट्रिक्शन मैंने तो एफपीसी का 2017 में नहीं पढ़ा था. और उसने कहा अगर आपको यकीन नहीं आता है तो यू कैन एक्चुअली रीड द रूल नंबर 4 or 5, कोई उसने उस टाइम बोला, रीड कर लें. तो आई रेड द रूल. इट सेड द क्वेश्चन नंबर गिवन इन द क्वेश्चन पेपर शुड सिंक विद द क्वेश्चन नंबर दैट यू राइट इन योर आंसर शीट. तो नगीना खान बच्चे, हूएवर यू आर, प्लीज शेयर योर डिटेल, यू कैन स्टे इन क्लास. तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस बात का बेसिकली मतलब ये था कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके एमसीक्यूज होते हैं जो कि 20 होते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 होता है जो आपका सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होता है, जो प्रेसी का पहला सवाल होता है, इट इज क्वेश्चन नंबर 2. उसके कहने का मतलब ये था एफपीएससी के कि आप चाहे आप इसको आखिर में करें, हाँ, लेकिन आखिर में भी इसका नाम क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखना है. तो मेरे जो बच्चे मुझे देख रहे थे कि मैम अब क्या करना है, तो मैंने उनको यही कहा कि छोड़ो इसको. तो उस टाइम जो इर्द गिर्द बैठे थे वो तो समझ गए कि ठीक है फाइन मैम कह रही है तो ओके. लेकिन मेरे उस वक्त इट क्रॉस्ड माय माइंड कि यार जो बच्चे अभी इस ऑडिटोरियम में नहीं है और ऐसी कोई अनाउंसमेंट उनके ऑडिटोरियम में हो रही है, सो आई मेड इट पार्ट ऑफ माई फर्स्ट लेक्चर कि आई हैव टू टेल यू कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है या ऐसा स्टेटमेंट आपका बंदा देता भी है तो उस बात का बेसिकली मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर वही रहना चाहिए, सीक्वेंस आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन. ठीक है जी, आगे चलते हैं. ग्रामर आपकी आज स्टार्ट होगी. आप अपने अपने पूरा पेपर, देन कॉम्प्रीहेंशन, देन प्रेसी, आखिर में प्रेसी, सबसे आखिरी क्वेश्चन आप प्रेसी अटेम्प्ट करते. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रामर हमारी आज स्टार्ट होगी और ये एंड तक जाएगी. एंड का मतलब है टिल द वेरी एंड. रेन एंड मार्टिन या जॉन ईस्टवुड, रेन एंड मार्टिन इज बेटर फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. ठीक है. अच्छा जी, और आपकी जो ग्रामर है इट शुड गो एंड फेब्रवरी तक आपकी जानी चाहिए, और जिन्होंने 2023 में अपीयर होना है उनकी वहां तक जानी चाहिए. तो आपका जो भी टाइम टेबल चल रहा है, ग्रामर का 1 घंटा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका ग्रामर का घंटा टिल एंड रहना चाहिए. ठीक, मैं भेज. अब हम आते हैं अपने प्रेसी के ऊपर, कि हमारी प्रेसी के मेन, आज उसको सिर्फ समराइज करते हैं कि हमारा प्रेसी बेसिकली है क्या और हमने प्रेसी में करना क्या होता है. इट्स गोइंग टू टेक मी अ गुड लॉन्ग लेक्चर टू कंप्लीट इट, बट वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, वी टेक अ ट्रैक, और कल हमारी प्रेसी का लेक्चर कंप्लीट करेंगे जिसके साथ आपको होमवर्क मिलेगा. प्रेसी स्टार्ट होता है फ्रॉम द वर्ड प्रिसाइज. प्रिसाइज कहते हैं टू द पॉइंट. तो बेसिकली आप जब भी कोई बात करते हैं, भी कोई चीज जो है वो उसको रीड करते हैं एंड इट इज वेरी लेंथी, तो उसको प्रीसाइज करने के लिए, टू द पॉइंट करने के लिए हम उसकी प्रेसी लिखते हैं. ठीक है.
अच्छा, इट मीन्स टू कट शॉर्ट, इट मीन्स कि जो लंबी चीज है उसको हमने शॉर्टन करना है, और हमने उसको कितना शॉर्ट करना होता है, प्रेसी को कितना शॉर्ट करना होता है, इफ एनीबडी नोज, 1/3, ठीक है। तो आपने अपनी प्रेसी को 1/3 शॉर्टन करना होता है। अब ये बात सबको पता है, बट व्हेन आई टेल देम कि आपने समरी बनानी है, प्रेसी बनानी है और 1/3 शॉर्ट करना है, देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज द 1/3। आपने एक तो उसको शॉर्टन करना है, दूसरा उसको सिंप्लीफाई करना है। आई रिपीट, प्रेसी राइटिंग का मतलब नॉट ओनली शॉर्टन योर पैसेज, यू ऑल्सो सिंप्लीफाई इट। और बच्चे सिंप्लीफिकेशन वाले रूल पे फेल कर जाते। मैं जब पहला होमवर्क चेक करूंगी, मैंने 90% ऐसे सर्कल लगा के भेजा होगा कि दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड, दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड, दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड, चेंज इट टू अ सिंपलर वन, चेंज इट टू अ सिंपलर वन, चेंज इट टू अ सिंपलर वन। देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू राइट इन सिंपल लैंग्वेज। चीजें हम क्योंकि प्रोफेशनली बहुत बड़े हो चुके हैं, हम लोग आदि हो चुके हैं, वो चीजें हमें आम लग रही होती, बट वेन वी राइट इट डाउन और हमें लिखना पड़ता है आसान लैंग्वेज में, तो हमें उस वक्त रियलाइज होता है कि हम इतने आम हो चुके हैं मुश्किल लैंग्वेज यूज करने के, कि ईजी करना चीजों को फिर हमारे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, प्रेसी हैज टू बी इन योर ओन लैंग्वेज, ये तो सबको पता है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जब मैं कहती हूं पैसेज, पैसेज का मतलब है वो वाला आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ। व्हेन आई से प्रेसी, आई मीन द पैराग्राफ विच यू आर राइटिंग इन योर आंसर शीट, जो आप लिख रहे हैं प्रिसाइज फॉर्म, वो प्रेसी है। तो बेसिकली हम लोग अपने पैसेज में से लाइनें कॉपी पेस्ट अपनी प्रेसी के अंदर नहीं कर सकते और ना ही अलाउड है, और अगर ऐसा किया तो फेल हो जाएंगे। यस, बट वी आर अलाउड टू कॉपी फ्रेजेस, और अप टू 3 phrases, मैक्सिमम 3 phrases तक आप जा सकते हैं। फ्रेज क्या होता है? इट्स अ क्लस्टर ऑफ 2 to 3 words, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस टाइप होता है 2 से 3-4 words का, जो कि एक फुल मीनिंग दे रहा हो। तो हम अपने फ्रेजेस मैक्सिमम 3 phrases पैसेज में से प्रेसी में कॉपी कर लेंगे और कर सकते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस कॉपी पेस्ट करने का मतलब है कि हम फेल होने की तरफ एक स्टेप ले चुके। यस अलीना बच्चे, बोथ वेज क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, वो हम आगे करेंगे। आगे चलते हैं जी, द कीवर्ड। व्हाट इज अ कीवर्ड? प्रेसी के अंदर कीवर्ड क्या होगा? मैं कहती हूं इंग्लिश लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज, एवरीवन शुड लर्न इंग्लिश। दोज हु डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दे कैन लर्न द एक्सप्रेशन बाय रीडिंग। इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1654, फॉर एग्जाम्पल। What is the key word here? किसके बारे में बात हो रही? English के बारे में बात। English is the key word. अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूं कि आपका, मैं आगे जब रूल्स पढ़ाऊंगी प्रेसी के, तो मैं बताऊंगी कि हम प्रॉपर नाउन्स को रिमूव करते हैं, लेकिन इफ द प्रॉपर नाउन इज योर की वर्ड, द की वर्ड स्टेज। प्लीज रिमेंबर, नो मैटर वॉट द की वर्ड इज, वो नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है, वो वर्ब है, वर्ड है, की वर्ड एज इट इज रहेगा और आप उसको चेंज कभी नहीं करेंगे, ठीक है। 2010 में इस किस्म का काम FPSC कर चुकी है कि उन्होंने एक पैसेज दिया और उसके अंदर एनवी के बारे में पूरा जिक्र किया। एनवी ये होती है, एनवी वो होती है, एनवीएस बंदा ऐसे करता है, एनवीएस बंदा जेलस होता है, एनवीएस बंदा नेगेटिव होता है, फलाना होता है, ये है वो। बच्चों ने बड़ी खुशी से, टीचर्स ने ऐसा ही सिखाया हुआ था कि अपने वर्ड्स में लिख के आना है, कोई कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट वर्ड फॉर एनवी दैट यू कैन रिप्लेस इट विद? किसके साथ आप एनवी के वर्ड को, मैं आपसे पूछूं, कॉमनली आप चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल किसके साथ? जेलिसी जैसा साउंड करता, ठीक है। बच्चों ने यही किया, आराम से एनवी की जगह जेलिसी लिखा। उस साल सारों को फेल करने के बाद ग्रामर में FPSC हर साल जब बच्चे फेल कर देती है उसके बाद वो हुए हैं, क्योंकि दे हैड नो आइडिया कि जेलिसी और एनवी जो हैं दे आर टू डिफरेंट थिंग्स।
लिटरली, और उन्होंने साथ फरमाया कि एनवी जो है, जो जेलिसी है, दैट इज अ प्योर नेगेटिव ट्रेड, जबकि एनवी जो है उसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के पास एक अच्छा हैंड बैग देखती हूँ और मैं कहती हूँ यार इसका हैंड बैग कितना प्यारा है, हसद और रश, मैं कहती हूँ हैंड बैग कितना प्यारा है यार, मेरे पास में पैसे हो मैं भी इस तरह का हैंड बैग ले लू, ये एनवी है. इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर. जेलसी होती तो मैं कहती कि यार अल्लाह करे इसके इसके पास ये बैग बहुत प्यारा है, इसका ये बैग जल जाए, इसका ये बैग नाली में गिरे, इसके पास भी ना रहे. मतलब अ जेलस पर्सन कैन नॉट एक्चुअली डाइजेस्ट एनीथिंग विद समबडी एल्स एज़ वेल, उसके पास भी कुछ अच्छा ना रहे. तो उन्होंने कहा विच इज अ प्योर नेगेटिव ट्रेड. जबकि मजे की बात, अगर आप 2010 का तो उसके अंदर जो ट्रेड्स निशानदेही किए हुए हैं वो पूरे जेलिसी के ही, वो प्योर नेगेटिव ही है, उसमें पॉजिटिविटी गई नहीं, लेकिन दे गॉट अवे विद इट. तो हम ऐसा रिस्क पेपर में लेने से बेहतर है कि जो की वर्ड होगा, जो मेन वर्ड होगा, जिसके ऊपर पूरा पैसेज रिवॉल्व कर रहा होगा, जिससे रिलेटेड वो पूरी कहानी होगी, वी आर नेवर गोइंग टू चेंज दैट की वर्ड इन टू अ सिंपलर वर्ड, वो एज इट इज हम लगा देंगे. ठीक है जी. सो द की वर्ड ऑलवेज स्टेज द सेम, नेवर चेंज द की वर्ड. आगे चलते हैं जी. असल प्रेसी लिखने का तरीका होता है कि यू गेट द जिस्ट ऑफ द टॉपिक. आपने पढ़ा, आपने उसको समझ लिया, यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. अब आपको जो समझ लगा है आप इसको अपने वर्ड्स में लिख देंगे अपनी, लेकिन हम असल में ऐसा नहीं करते. इसलिए क्योंकि आप दो लाइनें पढ़ते हैं, जब आप तीसरी लाइन में पहुंचते हैं पिछली दो लाइनें भूल जाती, और जब आप पूरा पैसेज पढ़ते हैं तो बंदा दो मिनट बैठ के सोचता है कि मैंने पढ़ा गया, मतलब व्हाट इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू आस्क इन दिस पैराग्राफ. ठीक है. अच्छा, एक बात और कि आपने, मैं पहले एक पॉइंट लिख लूं, सॉरी मैं मिस कर दूंगी. अच्छा, ये है कि प्लीज मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ अपने लेक्चर्स की, खुद भी नहीं करती हूँ, और मैं किसी बच्चे को अलाउ भी नहीं करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि ना ही करें. इसलिए बच्चे, क्योंकि देर आर टाइम्स, अब जैसे एफपीएससी को बीच में मैं बहुत बुरी भली बातें भी कह रही हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ आई एम वेरी वेरी ओपन विथ माई स्टूडेंट्स. तो इस तरह की चीजें जो है रिकॉर्ड होके यूट्यूब पर डल जाना कर, मतलब नॉट ओके, दैट्स नॉट गुड. तो वी शुड नॉट डू दैट. आई वुड रिक्वेस्ट यू, क्योंकि फिर मैं इतना ओपनली बात नहीं कर पाऊंगी. अगर मुझे आइडिया होगा ना कि समथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, आई विल नॉट बी दिस. तो फिर हाँ प्लीज, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें और रिकॉर्ड ना करें, तो आई बी मोर कंफर्टेबल हियर टॉकिंग. लास्ट पॉइंट ये था कि असल में, यस, एंड दैट यू नो एफआईए से वो रिपोर्ट किया, एंड आई वॉज नॉट मूविंग बैक. मैंने कहा था मैं नहीं छोड़ूंगी. और मजे की बात कि हम इस किस्म की चीजों पे यूजली लड़कों को टारगेट कर लेते हैं, और लड़कों को हम बुरा भला कहते हैं कि लड़के जो हैं वो इस तरह कंट्रोल नहीं होते हैं. आई वॉज वेरी एंग्री विद दैट स्टूडेंट. और मजे की बात, इट केम आउट टू बी अ गर्ल, लड़की थी. एंड when they started proceeding for the FIR and things, that is when I pulled out. उन्होंने कहा मैम आप फाइनल है, सोच लिया है, बच्ची है, नाम ये है, आप FIR कर. तो मैंने कहा नहीं, और लड़की है, और तो यू नो प्लीज डोंट डू दैट. कि फिर आपको जो है ना, मतलब ये बुरी बात है किसी और की प्राइवेसी इस तरह उसके अंदर उसको ब्रीच करना. मैंने ये कहा है कि प्रेसी करने का असल तरीका ये है, और आप में से कोई इंग्लिश लिटरेचर या अच्छी अंग्रेजी वाले लोग होंगे तो इस तरह कर भी सकते हैं कि आपने पैसेज पढ़ा, उसको समझा, और फिर आपने उसकी जो जिस्ट है आपने उसको पोर डाउन किया ऑन योर आंसर शीट. पूरा आइडिया जो आपको समझ आया है वो आपने आंसर शीट पे डाल दिया. लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि व्हेन वी रीड द पैसेज हम बीच में होते हैं तो ऊपर वाले चार सेंटेंसेस भूल जाते हैं कि बेसिकली ऊपर बात क्या हो रही थी. सो आई हैव माई ओन वे ऑफ राइटिंग अ प्रेसी, और हम लाइन वाइज चलते हैं, और मैं आपको अपने लाइन वाइज तरीके से ही प्रेसी करवाऊंगी, और हम ऐसी लिखेंगे जो कि फूल प्रूफ है, जो कि गलती प्रूफ है, और जो कि फेल होने के चांसेस को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देगा.
मैसेज भूल जाता है, ऐसा ही है. लाइक फाइक इंग्लिश के लोगों को नहीं भूलता, लेकिन आप और मैं कॉमन बच्चे जो इनकी और डिग्रीज हैं अदर देन इंग्लिश, हम भूल जाते हैं. हाँ, कीवर्ड की लिमिट कोई नहीं है, लेकिन आप खुद उसको रीड और देख ना लग रहा हो. बार और एनवी वी एनवी, तो हम उसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते थे. इट कॉजेज दिस, इट डज दैट, इट डज दिस. तो हम खुद ही एक चीज की सुपर रेपिटेशन जो है वो. ठीक है, 2022 का पेपर मैंने पूरा सॉल्व करके स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था. देयर इज अ डिस्टॉर्शन स्टिल. मैम आपका ये लास्ट आप स्टार्ट करवाएंगी तो ऑनलाइन क्लास होंगी या फिजिकल? नोवा में मैंने ही पढ़ाती है बेटा. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन. नोवा में मैंने पढ़ाना छोड़ दी, सो इट्स जस्ट दिस नाउ. तो व्हेनेवर आई स्टार्ट अगेन इट्स गोइंग टू बी ऑन मी. तो जी ये है हमारा प्रेसी का स्टार्ट. और प्रॉपर प्रेसी कैसे लिखनी है, हम प्रॉपर रूल्स के साथ चलेंगे, एक एक लाइन करेंगे. और बाय द एंड ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह टुमारो यू विल बी अ गुड प्रेसी राइटर इंशाल्लाह, एंड देन यू विल बी सबमिटिंग मी योर फर्स्ट होमवर्क आफ्टर दैट. तो उम्मीद है कि प्रेसी में फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद है. वैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेल मी कि हाँ, उसके बाद उनके रिजॉल्व हो जाते हैं बहुत सारे इश्यूज. फ्रेजल हम होल प्रेसी और होल सेंटेंस में ले सकते हैं. होल पैसेज आप थ्री वर्ब्स फ्रेजेस, अच्छा फ्रेजेस, यस यू कैन बोरो थ्री फ्रेजेस, मैक्सिमम थ्री फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज. तीन से ज्यादा लेंगे तो फिर वो रेपिटेशन नजर आएगी कि बहुत ज्यादा कॉपी पेस्टिंग की हुई है. थ्री तक ठीक है, थ्री तक मतलब इट्स अ देयर इज अ लिमिट कि आपने कुछ वर्ड्स बोरो किए हैं, नॉट ऑल. एंड ऑफ कोर्स द की आल्सो स्टेज. इससे ज्यादा कॉपी पेस्टिंग ना करें. यू कैन फ्रेजेस बेटा, नॉट वर्ड्स, थ्री फ्रेजेस मैंने कहा. आई आर इज अ बैड सब्जेक्ट, पोलिटिकल साइंस इज गुड. स्कोर वाइज किसी, मैंने दोनों साल आई आर ही रखा था, मेरे आई आर में स्कोर भी बहुत अच्छा था. आई हैड 117, 117 थे जिस टाइम लोगों के 60s 70s में मार्क्स आए. आई आर बहुत बुरी तरह टारगेट हुआ था, लेकिन मुझे आई आर सर हसन अली गोंदल ने पढ़ाई थी एंड ही इज अ ग्रेट टीचर, बहुत अच्छे टीचर. तो अगर कोई आई आर ले रहे तो उसको सर हसन से पढ़ना चाहिए, वरना पोलिटिकल साइंस आई आर वैसे स्कोर अच्छा नहीं करता. अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं. तो हमारा लेक्चर अब बाकी कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह टुमारो. सर हसन अली गोंदल, ग्रेट टीचर फॉर आयर. ठीक है जी, पब्लिक एड और यूएस हिस्ट्री दोनों थोड़े से स्कोरिंग खराब है. यूएस का पेपर मुश्किल आता है. क्रिमिनोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में स्कोर कम आता है मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन सुनने सुनने में आया है कि इट डजंट स्कोर वेरी वेल. जीपीबी अच्छा है, स्टैट्स अच्छा है. अच्छा, पाक अफेयर्स का एक वो भी शेयर ही कर दूं. एक मिनट, वो ये मेरी छोटी सी किताब जो है ना, आई डोंट नो वेयर आई सेड इट, ये एवरीबॉडी आस्क्स मी कि वो छोटी सी किताब पाक अफेयर्स की. साइकोलॉजी इज अ बैड सब्जेक्ट. एंथ्रो सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी इज गुड क्योंकि उसकी बुक्स अवेलेबल है. एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स अवेलेबल नहीं. इफ समबडी इज जी फिर मुझे बताएं, आई शेयर दैट बुक इन इन सॉफ्ट फॉर्म. वो बाहर की बुक है विच कवर्स द सिलेबस. उसके अलावा जो पाकिस्तानी ऑथर्स की किताबें, दे आर नॉट अप टू मार्क. केमिस्ट्री इज बैड है. अकाउंटिंग अच्छा है. एज लिमिट का आपने इस तरह कैलकुलेट करना होता है कि आपकी एज 31 दिसंबर 2021 को 30 साल एक दिन भी ना हो. अगर आप 30 years one day है ना, तो फिर आप नहीं अपीयर हो सकते. अगर आप 30 years two days हैं, 30 years five days हैं, आप नहीं हो सकते. अगर आपकी बर्थडे 31st दिसंबर को आप 30 साल के होते हैं, फिर आपको अलाउड है. उसके अलावा 29 years और 12 months, 29 years 11 months, 29 years 8 months ये अलाउड है. आर हाई स्कोरिंग. अच्छा जी, मैं पहले बता दूं उसके बारे में, करंट अफेयर्स और
पाक अफेयर्स के बारे में, एनवायरमेंटल नॉट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी स्कोर्स लो। करंट अफेयर्स पे पहले आते हैं। करंट अफेयर्स एक सिंपल सा सब्जेक्ट है जिसकी एक बहुत ही सादी सी किताब है, मुझे जो पसंद थी वो वसीम रियाज खान की थी। वसीम रियाज खान की किताब क्यों अच्छी है, क्योंकि पूरा एफपीएससी का सिलेबस उन्होंने कवर किया। ऐसी हर बुक जो है वो रिकमेंडेड है और वो अच्छी है जो कि एफपीएससी का सारा सिलेबस कवर करती। स्टार्ट ऑलवेज विद वन बुक विच कवर्स द होल सिलेबस, फिर उसके बाद बिल्डअप करते जाए करें, फिर कोई और किताब उठाएं, फिर इंटरनेट की सोर्सेज यूज करें, फिर जो दिला यूज करें। नोवा की बुक मुझे करंट अफेयर्स की इसलिए नहीं पसंद क्योंकि दे हैव एक्चुअली कंबाइंड आर्टिकल्स ऑफ मेनी पीपल टुगेदर। आपको बुक के साथ सिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? तो आप जब हर आर्टिकल के बाद लैंग्वेज चेंज हो रही है, हर आर्टिकल के बाद वो चेंज होता है, मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मुझे वसीम रियाज की बुक इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो एक ही पेस पे चल रही थी। पहले तो वो पूरा सिलेबस कवर कर रही है, वो बुक हो गई। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट बात कि आपने है जिसका नाम है प्रेस रिव्यू, क्योंकि बच्चों को करंट अफेयर्स के साथ ही अखबार याद आ जाते हैं। प्रेस रिव्यू का नाम आई डोंट नो, आजकल हिलाल मैगजीन करती है समथिंग, दे हैव चेंज्ड द नेम। और एक मिनट, मैं डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी साथ ही शेयर कर दूं बिफोर यू पैनिक। ये वैसे अखबार वाला बंदा देता है, और अगर जो है मैं इसका नंबर भी आपके ग्रुप में शेयर करवा दूं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटर प्रेस रिव्यू। अच्छा, अब ये है कि आपने प्रेस रिव्यू मैगजीन लगवा लिया, उस मैगजीन को आपकी जो मिलिट्री है उसका जो इंफॉर्मेशन विंग होता है, जो कम्युनिकेशन विंग होता है, वो उसको प्रिंट करती है प्रेस रिव्यू, ठीक है? अभी मुझे अपने सब्जेक्ट्स ना भेजें प्लीज, आई एम नॉट लुकिंग एट देम राइट नाउ। मैं सिर्फ अभी करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स के बारे में बात करूंगी। तो उसके अंदर आपके पांच पाकिस्तान के बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स, विच इंक्लूड डॉन, द न्यूज, ऑब्जर्वर, डेली टाइम्स, और आई डोंट नो देयर इज अनदर वन। तो पांच छह बड़े न्यूज़पेपर्स के जो बेस्ट आर्टिकल्स होते हैं वो उसको इकट्ठा करके एक मैगजीन में एक ही जगह प्रिंट कर देते हैं, ठीक है जी? और वो मैगजीन जिस बच्चे ने पढ़ लिया, मतलब है कि उसने पांच छह बड़े न्यूज़पेपर्स के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ लिए। प्लस न्यूज़पेपर्स आर ओपन, ऑथर की मर्जी वो जो लिखे, ऑथर्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसी को बुरा भला भी लिख सकते हैं, वो गवर्नमेंट को भी बुरा भला कंडेम कर सकते हैं, हमारा जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमने जब प्रेस रिव्यू पढ़ा, हर मंथ आता है, इट्स वंस अ मंथ, तो उसके अंदर क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की मशीनरी उसको प्रिंट कर रही, आपकी आर्मी प्रिंट कर रही, आईएसपीआर वाले उसको प्रिंट कर, ठीक है? जब वो प्रिंट होता है तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होगी जो कि आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो स्टांस आपकी गवर्नमेंट के एंटी होगा। तो ऐसी चीजें पढ़नी है ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी गवर्नमेंट का स्टांस क्या है, आपकी गवर्नमेंट क्या कह रही है, और वही आपका सीएसएस के अंदर पेपर में भी होना चाहिए, ठीक है? रिव्यू, और आजकल इसका नाम आई थिंक इट्स दे हैव चेंज्ड इट टू हिलाल मैगजीन और समथिंग। तो ये हो गई आपकी करंट अफेयर्स। तो इसके बाद जब आपने अगर एक महीने में एक ये प्रेस रिव्यू मैगजीन पढ़ा है, नाउ यू डू नॉट नीड द न्यूज़पेपर। रिटर्न के अंदर मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर की कोई भी जरूरत है, एक्सेप्ट फॉर हेडिंग्स, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स टू नो हाउ टू राइट एन आर्टिकल एंड थिंग। उसके अलावा न्यूज़पेपर जरूरी पड़ता है जब आपको इंटरव्यू की तैयारी होती है, बेसिकली इंटरव्यू में कंपल्सरी, ठीक है? इट्स अ मंथली मैगजीन, यस। दूसरे नंबर पे आती है पाक अफेयर्स। पाक अफेयर्स के हमारे तीन हिस्से हैं। प्लीज, पाक अफेयर से ज्यादा आसान सब्जेक्ट पूरे छह कंपल्सरीज में कोई नहीं है, एंड आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। पाक अफेयर्स के तीन हिस्से हैं भाई, छोटा सा मैगजीन होता है यार, ज्यादा से ज्यादा 70-80 पेजेस होंगे। वन पार्ट इज प्री पार्टीशन, पाकिस्तान बनने से पहले पहले आपका मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला कदम पाकिस्तान में रखा, 712 AD से शुरू होते हैं जी,
वहां से शुरू होके पाकिस्तान आजाद होने तक। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट पार्टीशन। अब पाकिस्तान आजाद हो गया, पार्टीशन हो गई, अब जो टॉपिक्स हैं इसका क्या करना है। एंड देन द थर्ड वन इज योर कंटेम्प्ररी, आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्ल्ड में, ये भी पाक अफेयर्स का हिस्सा है। आपने आउटलाइंस आज ही प्रिंट करके देख लेनी, ठीक है। तो आपकी आउटलाइंस के अंदर ये तीन मेजर हिस्से हैं, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, कंटेम्प्ररी। नाउ फॉर द प्री पार्टीशन आई विल बी शेयरिंग अ बुक ऑफ पाक अफेयर्स इन योर ग्रुप। वो इसी तरह 712 AD मोहम्मद बिन कासिम ने पहला कदम रखा, सूफीज्म आई, फिर फलाने किंग्स आए, फिर तुगलक्स आए, फिर दिस एंड दैट, फिर आखिर मुगल्स आए। मुगल्स के बाद उनको अंग्रेजों ने मारा, अंग्रेजों के बाद आपकी क्रिप्स मिशन हुआ, फलाना मिशन हुआ, फलाना हुआ, फलाना, एंड में पाकिस्तान आजाद हो जाए। और वो एक एक पेज के ऊपर एक एक आपकी जो है ना वो टॉपिक दिया हुआ है जो बुक मैं शेयर करूंगी। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ समरी ऑफ द होल थिंग, द प्री पार्टीशन थिंग। अगर आपने वो किताब ले ली है, मिल गई आपको ग्रुप में, तो प्री पार्टीशन आपका फुली प्रिपेयर्ड है। उसमें शाह वलीउल्लाह के क्या क्या कारनामे थे एक पेज पे दिए हुए, या दो पेजेस पे। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया एक पेज पे। जितने भी ये पुराने हमारे हीरोज थे, इन्होंने हिस्टोरिकल हीरोज, इन्होंने क्या क्या किया, 10-12 हीरोज बैक टू बैक दिए हुए हैं और सबके नामों के आगे एक एक दो दो पेजेस के ऊपर। दैट्स नो बुक, देवर सम नोट्स एंड माई एल्डेस्ट सिस्टर हैड देम, और उसके नोट्स को फिर मैंने सॉफ्ट में कॉपी करके वो PDF बना के, नो इट्स नॉट राइट टू बक्स, वो मैंने, हाँ इट्स सफिशिएंट, ठीक है। वो फिर आपने, मैं दे दू आज ही क्लास के बाद, आज आपके साथ शेयर हो जाए। प्री पार्टीशन आपने उस किताब से करना है, इट हैज नो नेम, देवर सम नोट्स, देवर कंपाइल्ड बाय माई सिस्टर, उसको कहीं कोई अकेडमी आगे पीछे किसी ने दिए थे, वो कहीं से निकले और वो मुझे बड़े अच्छे लगे कि यार पूरी समराइज हुई हुई है मोहम्मद बिन कासिम के आने से लेके मुगल आखिरी किंग बल्कि नहीं पाकिस्तान बनने तक अंग्रेजों ने क्या किया क्या, और ठीक टाइम लाइन, एग्जैक्टली टाइम लाइन के साथ वो चल रही। इट्स ओनली प्री पार्टीशन। देन कम्स द पोस्ट पार्टीशन, ठीक है जी। पोस्ट पार्टीशन में हमारे सिर्फ दो टॉपिक्स हैं, वो आपने करने हैं इकराम रब्बानी से। नहीं, इट्स नॉट टफ। इकराम रब्बानी से आपने सिर्फ दो टॉपिक्स करने हैं। दो टॉपिक्स कौन से हैं, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, कि जब पाकिस्तान बना तो इनिशियली क्या क्या मसले फेस किए, और दूसरे नंबर पे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस आपके जो है वो आपने उसके अंदर याद करने हैं। इकराम रब्बानी, इन दो टॉपिक्स के अलावा इकराम रब्बानी से आपने और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि और उस बुक के अंदर इतने मसाइल हैं कि उन्होंने माशाल्लाह लिखा है कि अगर आप फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि मिलिट्री मेक्स द फॉरेन पॉलिसी। तो ऐसी बातें पेपर में लिखना जो है वो सीधा सीधा फेल करा। तो इन दो टॉपिक्स के अलावा आपने इकराम रब्बानी से कुछ नहीं पढ़ा, और इन दो आपको इकराम रब्बानी की बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है। शमशाद अहमद से मैंने फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक पढ़ा था, इट वॉज गुड, लेकिन बाकी मैंने पूरी नहीं पढ़ी, ठीक है जी। तो ये हो गए दो टॉपिक्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। किताब क्यों खरीदने की जरूरत नहीं है, मैंने इन दोनों टॉपिक्स को PDF में रखा हुआ है, आपको ये भी मिल जाएंगे दोनों टॉपिक्स। अब रह गया कंटेम्पररी, आज की दुनिया में पाकिस्तान का CPEC से क्या रिलेशन है, पाकिस्तान का अमेरिका से कैसा रिलेशन है, रशिया के साथ कैसा रिलेशन, ये आपकी करंट अफेयर्स हैं। ये आपकी वसीम रियाज खान है जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो ये करंट अफेयर्स है, बात खत्म। तो आपका पहले करंट अफेयर्स का पेपर होता है, याद रहे, तो यू ऑलरेडी रिवाइज दीज थिंग्स। तो आपने पाक अफेयर के पेपर्स के लिए सिर्फ प्री रिवाइज करना होता है, एंड योर पाक अफेयर्स इज डन राइट आफ्टर द क्लास। क्लास खत्म होते ही आपको पहुंच जाएगी, और इकराम रब्बानी के टू टॉपिक्स।
ठीक है जी, सो दैट इज ऑल अबाउट शमशाद अहमद. मैंने कहा मैंने उससे सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक पढ़ा था, विच वॉज माइंड ब्लोइंग ब्यूटिफुल. तो दैट इज इट फॉर पाक अफेयर्स एंड योर करंट अफेयर्स. आज हमने थोड़ी जरा ज्यादा इधर उधर की बातें की हैं, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट क्लास, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट टू यू गाइज टू नो मी. और मैं एकदम प्रेसी का प्रेशर जो है आपके सरों पर नहीं डालना चाह रही थी, लेकिन कल इंशाल्लाह हम डायरेक्टली प्रेसी स्टार्ट करेंगे और फिर आप जो टॉर्चर होंगे तो होंगे. नहीं करवाया हुआ सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी कर लें. मैंने फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक वहां से किया था. कंपैरेटिव स्टडीज फॉर मेजर रिलीजन्स, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन द कंपैरेटिव. एलिजाबेथ बच्चे, आई हैव टू कंफर्म. मैं कोई एक दो मेरे सीनियर्स हैं कॉन्वेंट की हु हैड ऑलरेडी टेकन दिस सब्जेक्ट, तो आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर आस्किंग फ्रॉम देम, क्योंकि ऑफ कोर्स आई डिड नॉट टेक इट. हमारी मैंने इस्लामियात ही पढ़ी थी, तो आई विल गेट बैक टू यू. ऑब्जेक्टिव्स का मेरा सिंपल सा था, मैंने सिर्फ पास्ट पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स किए थे, आई डिडंट गो बियॉन्ड दैट. वो ऑब्जेक्टिव्स की बहुत सारी बुक्स हैं टू डू द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम, बट मैंने यही कहा कि आई एम नॉट श्योर कि मैं इतना जितने भी कर रही हूं कि पेपर में इनमें से आएगा कि नहीं आएगा. तो फिर फिलॉसफी इज गुड इफ यू नो इट. हाँ, 10 ईयर पास्ट पेपर्स आर फाइन, और 2000 से ऑनवर्ड्स का, 2000 ऑनवर्ड्स क्रिमिनोलॉजी इज गुड. ठीक है जी. यार बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं. मैम प्लीज एक आंसर कर दें. मैं 14 ग्रेड की जॉब कर रहा हूँ, 3 years कॉन्ट्रैक्ट पे. मैम क्या मेरी एज लिमिट खत्म होने के बाद 32 खत्म हो जाएगा? आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोबेबली खत्म हो जाएगा. यू हैव टू बी ऑन अ गवर्नमेंट जॉब टू यूटिलाइज दिस 32 ईयर एज एक्सटेंशन वाली गेम जो है. ये इस तरह जेंडर इज गुड. GSA में एबिलिटी वाला पोर्शन मैंने तो ट्यूशन पढ़ा था. मैथ और एबिलिटी जो है ना, वो आई लॉ मैंने रखा था, लेकिन आई लॉ इज अ बैड सब्जेक्ट. अगर कोई बच्चा बहुत मोटिवेटेड है कि उसने आई लॉ रखना ही रखना है, तो आई लॉ के मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए. आई कैन शेयर माई नोट्स. मेरे पास क्रिमिनोलॉजी की बुक है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की बुक है, मेरे पास एंथ्रोपोलॉजी की बुक है, तो इफ और आई लॉ के नोट्स हैं. So if anybody wants any of these, I can share them with you. US or criminology में से criminology, US का paper गंदा, GPP is good. Criminology और GPP में share कर देती हूँ. Public ad is a bad subject. Business ad उनके लिए अच्छा है जिनका background business का है, वरना नहीं. ठीक है, 4 optional books भी लिख रही हूँ. ये सारी चीजें अभी आपको कोऑर्डिनेटर जो है वो शेयर कर देगा, अली. ठीक है, एहतिशाम आपके साथ ये सारा कुछ शेयर कर देगा. इस्लामिक स्टडीज भी नहीं, इस्लामिक स्टडीज, यूरोपियन हिस्ट्री इज वेरी लेंथी, इंडो पाक हिस्ट्री वेरी लेंथी, वेरी बैड सब्जेक्ट. लोग रख लेते हैं आसान समझ के कि पाक अफेयर जैसा है, लेकिन वो पाक अफेयर जैसा नहीं है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी अच्छा है, ड्राई है पर अच्छा है, स्कोर ठीक है. हमारे साथ लोग थे जिन्होंने इंडो पाक हिस्ट्री में एमफिल किया हुआ था और उनके 40-40 नंबर आए थे, 40-45. सो डोंट टेक इंडो पाक हिस्ट्री एंड डोंट टेक इस्लामिक हिस्ट्री. ठीक है, फाटा डोमिसाइल इज स्टिल वैलिड? आई थिंक सो, यस, वेरी मच इट इज. ठीक है जी. मुझतबा बच्चे, मुझे अपनी एज जो है ना इंस्टा पे भेज दें, ससीज लाइफ के ऊपर. अच्छा, बाय द वे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एट ऑल जो यहाँ कभी क्लास में, क्योंकि आपका बैच बहुत बड़ा बैच है, दिस वाज माय लास्ट. मैं 50 से ऊपर नहीं लेती थी स्टूडेंट्स, लेकिन सम हाउ दिस वाज टू बी माय लास्ट बैच फॉर दिस ईयर. आई डिडंट वांट एनीबॉडी टू बी लेफ्ट बिहाइंड, सो आई टुक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन, और उसकी वजह से आपके बहुत सारे सवाल शायद रह रहे होंगे. तो प्लीज सेंड मी अ मैसेज ऑन इंस्टा, अपने वॉइस नोट्स भेज दें जिसके जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने जो पीआर एक टीम है जो उसको एक्चुअली मैनेज कर रही होती है, आई हैव टोल्ड देम कि मेरे स्टूडेंट्स के मैसेजेस वो नहीं पढ़ते. सो व्हेन दे सी कि कोई मैसेज किसी स्टूडेंट से आया हुआ है, तो वो उसको अनरेड करके वापस छोड़ देते.
तो आई ओपन द मैसेजेस एंड आई रिस्पॉन्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन माइंड यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज ऑन ससीज लाइफ या इंग्लिश विद ससीवल. इस्लामियात के लिए भी हाफिज करीमदाद की चुगताई की बुक है और वो इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, ठीक है. और अंग्रेजी में याद रखें कि अच्छे नंबर नहीं आते लेकिन आप पास हो जाते. उर्दू में या तो आप फेल हो जाते हैं या आपके 80s में नंबर आते हैं. तो उर्दू में बहुत एक्सट्रीम. इंग्लिश में ये है कि पास 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 कर देते 40s में 50s में, बट दे डोंट गिव यू अ वेरी गुड स्कोर इन इस्लामियात. मारवी इज द ओनली पर्सन हु हैड इस्लामियात इन इंग्लिश, ऑप्टेड फॉर इस्लामियात इन इंग्लिश और 86 मार्क्स हैं उसके. शी इज द ओनली पर्सन आई हैव कम अक्रॉस जिसके 80 क्रॉस हुए हैं इस्लामियात में और अंग्रेजी में, वरना मैंने इंग्लिश में हमेशा एवरेज से नंबर देखे और उर्दू में लोगों के इस्लामियात के मैंने ज्यादा देखे. हाँ, वसीम रियाज की तो इजी बुक मिल जाएगी. बुक्स हमेशा वो एक पेज है इंस्टा पे CSS_Pakistan. आई डू हैव IR नोट्स बट नॉट ऑफ ऑल द टॉपिक्स. सर हसन की स्लाइड्स है मेरे पास और कुछ की मैंने जो है ना वो अपने नोट्स बनाए थे वो मैं करवा लूंगी सॉफ्ट में, लेकिन IR मैं नहीं रिकमेंड करूंगी. बच्चे प्लीज डोंट टेक IR. Even if you have studied it in your university degree, book hai. General Science and Ability ki best book sir Aatif ki hai Noa mein, aur second best jo hai wo Mia Shafiq sahab ki kitab hai. Mia Shafiq wali bahut lengthy book hai, iske liye main Mohammad Aatif sahab ki kitab recommend karti hu. Aur second pe jo hai wo main Mia Shafiq, साइकोलॉजी इज लो स्कोरिंग साइकोलॉजी, इसलिए पोलिटिकल साइंस को प्रेफर करें क्योंकि मैंने, मुझे लोगों ने कहा था यू आर अ डॉक्टर टेक साइकोलॉजी, आई डिड एंड देन आई यूज्ड टू एक्स्ट्रा शीट्स और आपकी 31 शीट्स का एक वो होता है पैक जो होता है शीट्स का. पब्लिक एड इज अ बैड सब्जेक्ट, डोंट टेक इट. तो उसके साथ दो शीटें लगाने के बाद आई हैड Done 18 MCQs. I had got my 18 MCQs correct. और उसके बावजूद मेरे 58. तो मैं सोच रही थी कि अगर मैंने दो शीटें भी एक्स्ट्रा लगाई होती और मैंने इतनी ये मेहनत भी ना की होती और इतने मैंने फिगर्स भी ना बनाए होते तो फिर इसका मतलब था कि मेरा स्कोर तो 30s में जा रहा था. देखिए जुआलॉजी बॉटनी ये बाकी जो आप लोग पूछ रहे हैं ये स्पेसिफिक है. इस्लामिक लॉ फलाना लॉ, If you have a background of that, take it. फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. बिजनेस एड, पब्लिक एड, पब्लिक एड अगर बैकग्राउंड भी है तो भी मैं रिकमेंड नहीं करूं. आई आर स्कोर्स लो. When I say subject is not good, इसका मतलब है इट स्कोर्स लो. GPP is a good subject. बच्चे आप लोग एक ही क्वेश्चन बार 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 रिपीट करते हैं. Environment is good, gender is good. ठीक है. Philosophy is good, sociology is good. GPP की बुक में शेयर करूंगी. Town planning is bad. मारवी नहीं है, लाइक थी यार, पढ़ती थी इस्लामियात, उसे आती है. She knows her job. वो सब्जेक्ट उसका कमांड उसकी ठीक थी उसपे. हाँ, CSS_Pakistan is a page on Insta. They provide the CSS books. General law तो मुझे नहीं पता. Is there a general law in the category given? GPP और US history. GPP. हिस्ट्री ऑफ यूएसए का पेपर बुरा आता है आजकल, पिछले 2-3 सालों से बुरा है. ब्रिटिश हिस्ट्री इज वेरी लेंथी, यूरोपियन हिस्ट्री इज वेरी लेंथी. और जब आप वो पेपर रखते हैं, अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई उसका कर भी लिया कुछ करके, तो इस बार उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था बच्चों से कि जी फलाने किंग की, किंग हेनरी 4 की मिस्ट्रेस का नाम क्या था, और मिस्ट्रेस के जो पहले हस्बैंड के बच्चे थे उनका नाम क्या था. तो वो इस किस्म के इंटरव्यू फिर ब्रिटिश हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री में करते हैं अगर आप रिटर्न कुछ करके क्वालिफाई कर भी लेते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपके यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, इन चीजों में आपको इंटरव्यू में फंसाते हैं. बहुत बुरा. नो, वो पिंक और ब्लू वाली किताब नहीं अच्छी नोआ की. जेंडर के लिए, जेंडर के लिए बुक अच्छी है CSS ऑफिसर्स एकेडमी. सर हमाद है, SSP हमाद, उनकी बुक है जो कि अच्छी. सोशियोलॉजी यार
इफ यू हैव अ डिग्री इन साइकोलॉजी, इफ यू थिंक यू कैन डू जस्टिस टू साइकोलॉजी, तो फिर ठीक है. मुझे लोगों ने कहा था यू आर अ डॉक्टर और साइकोलॉजी बिल्कुल डॉक्टरी की साइकाइट्री की तरह है. तब मैंने पढ़ते हुए कहा था कि इट्स नॉट, दे आर टू वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स. मोटिवेशन, बिहेवियर, उनकी टाइप्स, चीजें, ये तो मैंने सीखी कभी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था. तो एलिजाबेथ बच्चे, इफ यू थिंक यू कैन डू जस्टिस तो लें, क्योंकि अगर आपकी डिग्री है तो ऑफकोर्स आपने और तरह पढ़ा. मैं उस तरह का पेपर फिर नहीं कर पाई. SSP मैंने जेंडर के लिए बताई. सब्जेक्ट्स के लिए मुझे काइंडली इंस्टा पे मैसेज करें. हम लोग सब्जेक्ट्स में वन टू वन डिस्कस करूंगी. यहां पे हम बहुत रश में सब्जेक्ट्स इधर उधर हो रहे. जिनको फ्लैश कार्ड्स की अभी भी समझ नहीं आई, YouTube के ऊपर मैंने फ्लैश कार्ड्स की वीडियो बना के डाली है, देख लें प्लीज. ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे. कल हम अपनी प्रेसी का पहला लेक्चर कंडक्ट करेंगे. बेसिकली मतलब प्रॉपरली प्रेसी राइटिंग करेंगे, और प्रेसी राइटिंग के साथ साथ आपकी शायद चैट मैं बंद करूंगी. आई रिमेंबर आई यूज टू कॉल दोज टीचर्स रियली नालायक एंड नॉट वर्दी इनफ, जो क्लास में सवाल पूछने नहीं देते. बट नाउ आई नो कि टेम्पो ब्रेक होता है, और फिर एक चीज जो 5 मिनट में होनी होती है वो 15 से 20 मिनट में हो रही होती है. तो हम कल जो है थोड़ी देर के लिए चैट बंद करेंगे, और फिर हम पहले रूल्स समझ, और फिर मैं एंड में खोलूंगी और हम सारी बातें, आपके जो सवाल होंगे आई विल टेक देम. ठीक है जी, उसके लिए पहले से सॉरी कर रही हूँ, बिकॉज आई विल बी डूइंग दैट. सम ऑफ यू माइट नॉट लाइक इट, बट दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. दैट इज ऑल फॉर टुनाइट. इंशाल्लाह आई शैल सी यू टुमारो. और कल हम अपनी जो है प्रेसी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे. ठीक. अच्छा, एक और चीज बता दूं, सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट, देयर आर 169 स्टूडेंट्स इन द क्लास. वो ये है कि पहले बैचेस में मैंने इस तरह नहीं किया है. आपसे एक बैच सीनियर जो है, बैच 13, हमने ये प्रैक्टिस वहां से स्टार्ट की है. जब कल इंशाल्लाह हमारा प्रेसी कंप्लीट होगा और आप लोग मुझे अपनी प्रेसी सबमिट करेंगे, तो जिस बच्चे की प्रेसी के हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, जो बच्चा टॉपर होगा, आई विल बी सेंडिंग अ सरप्राइज गिफ्ट, बिग गिफ्ट फॉर दैट स्टूडेंट. और फिर इसी तरह कॉम्प्रीहेंशन में भी होगा. कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपर बचा होगा, आई विल बी सेंडिंग गिफ्ट फॉर दैट स्टूडेंट एज वेल. यस, सो द बेटर यू राइट, द बेटर चांसेस यू हैव एट विनिंग दैट प्राइज. तो आज मुझे उनके फर्स्ट और सेकंड के नाम जो है, मैंने सारे मार्क्स की लिस्ट में से निकाल लिए. उन दो को जो है वो आज अनाउंस उनके ग्रुप में हो चुका है, आपके ग्रुप में भी होगा. तो आई वॉन्ट यू टू नो बिफोर हैंड सो दैट यू वर्क अ लिटिल बेटर फॉर योर प्रेसेस. ठीक है जी, दैट इज ऑल फॉर टुनाइट. आई शैल बी सीइंग यू टुमारो इंशाल्लाह. सेंटेंसेस सिंपल होंगे, हम प्रेसी करेंगे तो मैं आपको बताऊं, सिंपल. हाँ, होमवर्क में मैं मार्क्स देती हूँ. And I am very lethal and very constipated when I check your homeworks. Disclaimer. क्योंकि जितनी गलतियां मैं यहां निकाल लूं उतना बेहतर है. यहां पर डिसहार्ट नहीं होना, बुरा फील नहीं करना, क्योंकि doesn't matter कि यहां पर जितनी भी गलतियां निकले, हमारा गोल ये है कि पेपर में हम गलतियां ना करें. ठीक है, ओके जी, I'll see you tomorrow inshallah. और हम लोग जो है कल अपनी पहली प्रेसी का लेक्चर करके खत्म करेंगे, और उसके साथ ही होमवर्क मिलेगा. एंड दैट इज ऑल फॉर टुनाइट. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू.